शहर से आ रहा था। गाड़ी जब अपने स्टेशन पर रुकी तो ये मुसाफिर औरत मर चुकी थी। जानू उसका यतीम बेटा है। इसकी जुबानी मालूम हुआ है कि इनका दुनिया में कोई भी नहीं। आपने बहुत अच्छा किया जो यहाँ ले आए मुंशी जी। जी मालकन। मैयत को अंदर रखवाए और गुस्ल के लिए हज्जन माई को बुला लाए। अच्छा जी। किसके सहारे पे छोड़ के जा रही है माँ? माँ बेटा सब्र करो बेटा, सबने एक दिन इसी तरह जाना है। ऐसा ना कहिए मालकन, अल्लाह ना करे कि कोई माँ अपने बेटे को इस तरह बेसहारा छोड़ के चली जाए।
ऐसा ना कहो बेटा, तुम बेसहारा नहीं, मैं जो हूँ। माँ उसको भी अपना बेटा बना लो ना, हम दोनों भाई मिलकर रहेंगे। शाबाश बेटे, तूने मेरे मुंह की बात छीन ली। हाँ बेटा, आज से तू हमारे साथ इस हवेली में रहेगा। हाँ बेटा। लिख लिया बेटा? जी माँ, सब लिख लिया। अच्छा मास्टर साहब, आ जाओ आ जाओ। आज से आपने इस बच्चे को भी पढ़ाना है। मुझे मालूम था आप खुद कहेंगे। जितनी बड़ी जागीर है उतना ही बड़ा दिल है आपका नाके। कुछ भी तो नहीं मास्टर साहब, ये तो सब उसकी रहमत है। मैं अपने पास से तो किसी को कुछ भी नहीं देती, उसके दिए में से देती हूँ। हाँ मास्टर साहब, जाते वक्त अपनी फीस और स्कूल का चंदा लेते जाइएगा। जी बहुत अच्छा। क्यों खुर्दार, आप क्यों हंस रहे हैं? लाइए दिखाइए क्या लिखा है आपने। जो साहबजादे, ये लिखने की बजाय आप फिर कार्टून बनाने लगे। मियां मुंशी जान देहलवी का चौकटा पसंद नहीं जो हमारा ही हुलिया बनाने लगे है? हाँ मुंशी जी, इतने थोड़े दिनों में दोनों एक दूसरे को सगे भाइयों की तरह प्यार करने लगे। अब हमारे प्यार का निशान कभी नहीं मिलेगा। अब ये दरख्त हमेशा हमेशा कायम रहेगा। बंदूक किसकी है? अब्बा की है, चुरा के लाया हूँ। अरे पहले गोली तो भर लो। बाजू को छूकर गुजर गई है बेगम साहिबा, बहुत ही मामूली जख्म है, बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। आदा आदा। मुंशी जी, राशिद का कुछ पता चला? नहीं बेगम साहिबा, आसपास के सारे गांव देख चुके। अल्लाह, कहां चला गया मेरा बच्चा? छोकरे कहां जा रहे तुम? मुझे बचा लो खुदा के लिए, मुझे बचा लो, पुलिस मुझे पकड़ लेगी। बोले क्यों, क्या किया तूने? मैंने तो कुछ नहीं किया,
सच कहता हूँ, मैंने जानू को नहीं मारा, गोली चल गई और वो मर गया। ओ, तुम तो कातिल हो, कत्ल और इस उम्र में? नहीं नहीं, वो तो मेरा भाई था, मैंने उसे नहीं मारा, मुझे पुलिस से बचा लो। घबराओ नहीं मेरे बेटे, मैं तुम्हें पुलिस से भी बचाऊंगा और जेल भी नहीं जाने दूंगा, अब तुम मेरे पास ही रहोगे। साबिर, इस बच्चे को यहाँ से ले जाओ और इसका खास ख्याल रखना। ले जाओ। बॉस, लेकिन इस बच्चे को पालने के लिए हमें फुर्सत कहाँ है? बेवकूफ, ये बच्चा हमें पालेगा। कई महीनों से हमारे आदमी और सप्लाई पकड़ी जा रही है, अब ये मासूम सूरत बच्चा हमारा कैरियर होगा और चर सफीम को दूसरे मुल्कों तक भी पहुंचाएगा और हमारी सप्लाई भी नहीं रुकेगी। मगर कब तक बॉस? कत्ल, फांसी और पुलिस के खौफ से मैं इस बच्चे के सहन में वो जाल बिछा दूंगा कि मरते दम तक भी ये हमारा साथ नहीं छोड़ेगा। जानू, अरे मास्टर जी, और दादी माँ के घर दावत है, तू नहीं जाएगा क्या? शेरबागा पकड़ना? नहीं मास्टर जी, खुद जाकर बिस्मिल्लाह कर देना, हमको जाना है करीम सेठ के यहाँ। मालकन के काम से पहले जानू के लिए खाना पीना हराम है मास्टर जी, हम जाते हैं। खुदा हाफिज। वारे जानू, तूने सचमुच बेटा बन के दिखा। जो है भैया, कुछ रुपये मिले थे करीम भाई से? रसीद मिले। रसीद? दर्द तेरे की। अरे खाली रुपये गिन गिन के तिजोरी में दबाने से सड़ जाते हैं सेठ, सड़ जाते हैं। अरे आखिरत का भी कुछ हिसाब किताब कर ले बड़ाऊ, मर जाएगा तो कफन में बांध कर तिजोरी साथ नहीं ले जा सकेगा, समझा? चल मालकन का हिसाब साफ कर, जल्दी कर। अरे तू बैठ तो जा, बैठ जा। चल बैठ जाते हैं। अरे सारे जहाँ का दर्द तूने अपने जिगर में ले लिया है, कभी अपना ख्याल भी किया है? जब तक तेरी ये कुड़ियल जवानी है, जब तक तू करारी करारी बोलता रहेगा और मालकिन के लिए काम कर करके अपनी जिंदगानी बर्बाद करता रहेगा। मगर याद रखना, जब तुम बुरा हो जाएगा ना मेरी माफी, तू काम भी नहीं कर सकेगा, यही मालकन तेरों को दूध में से मक्की की तरह निकाल के बाहर फेंक देंगे। क्या तू सच कह रहा है सेठ करीम भाई? अरे सेठ करीम ने सारी जिंदगी सच बोला है, ये अपना रिकॉर्ड है और बज रहा है। अरे जानू बाबा, मेरी मान तो अपने बुरापे का भी से इंतजाम शुरू कर दे। अरे सेठ करीम भाई, इस सारी बस्ती में तुझ जैसा हमदर्द दोस्त यार मददगार जानू को आज तक कोई नहीं मिला। तो मानता है सेठ करीम भाई को? अरे सेठ तुझे नहीं मानेंगे तो और किसे मानेंगे? अरे बस, तो फिर जैसा मैं बोलता हूँ वैसा करने का है। 100 बरी के होते हैं 4,000। 4,000 जो जानू जाने, कर्मू जाने, मालकन को बताने के 3,000, बाकी कितना बचा? 1,000 है। 500 तुम्हारे, 500 अपने, तुम्हारी मुट्ठी बंद, अपना मुंह बंद। अरे वारे सेठिया वा, ना रंग लगे ना फिटकरी और रंग भी चोखा आए। अरे तूने तो हमने 14 तबक रोशन कर दी। बात सुन से, वो जो कल खेप आएगी ना उसके भी मिलेंगे 500। अरे बराबर मिलेंगे, कल को नहीं मिलेंगे। और परसों जो खेप आएगी उसके भी मिलेंगे 500, उसमें और बढ़ा दूंगा। अरे जो तरसों आएगी उसमें, उसमें मालकन के कम कर दूंगा, तुम्हारे बढ़ा दूंगा। मालकन के कम कर देगा और मेरे बढ़ा देगा? बढ़ा दूंगा। अरे सेठ तू निकाल, माल निकाल। माल? अरे माल कितना माल चाहिए तेरे को? माल
माल आई सेट करीम की सामान अभी तेरे को आइडिया पसंद नहीं आया तो जाने दे भूल जाओ बिल्कुल बिल्कुल वो सौदा तो पक्का है। अबे ओ बेईमान के बच्चे हमको रिश्वत देता है यार चोरी सिखाता है मालकन का माल घटाएगा और हमारा माल बढ़ाएगा। मेरी दौलत तो जैसे नमक हराम सेठों ने ना जाने कितने गरीबों को चोर और बेईमान बना दिया है। चलेगा मालकन का माल घटाएगा बढ़ाएगा जैसे तेरे बाप का माल है। कलवा अरे कलवा अरे बचाना मेरे को मैं क्या हूँ। अरे कलवा अरे मेरी मारी कर अरे आपके कमर में मोच तो नहीं आ रहा। अरे मेरे मोच में कमर आ गया है। कलवा ये देखो कहा ये शरीफ आदमी का हाल देखो। देखता हूँ उसको सीधा रास्ता बता रहा हूँ खड्डे में जा रहा है। कैसा जवान आ गया। अरे वो मुंशी मियां जान दहलवी ये लो डाल दे उस हरामखोर के खाते में। हरामखोर इस नाम का तो कोई खाता नहीं मेरे पास। अरे मुंशी वही सेठ करीम भाई जो सारे गांव में अपनी ईमानदारी का रिकॉर्ड बजाता रहता है ससुराल जानी को बेईमानी सिखाने चला था हरामखोर। अच्छा हरामखोर। अरे जानू क्या गड़बड़ की है सेठ करीम भाई ने। अरे मालकन इस दुनिया में कभी किसी पर भरोसा न करना। हमको तुम्हारे खिलाफ भड़का रहा था हमको रिश्वत दे रहा था सुसरा कहता था पहली खेप में 500 दूसरी में उससे भी ज्यादा तीसरी में मालकन के घटाता जाऊंगा तुम्हारे बढ़ाता जाऊंगा घटाता जाऊंगा बढ़ाता जाऊंगा सेठ बन जाएगा। बस फिर तो लंबी जूतियां चली होंगी। क्यों ना चलेंगी। तूने उसे मारा पीटा तो नहीं। अरे मालकन बस पीटा ही पीटा है सुसरे को। अगर मारा होता ना तो मर जाता हरामखोर। पहले ही सिंगल पसली का है साला। हमको कहता था तुम अपनी हड्डी पसली खून पसीना सब मालकन की खिदमत में बर्बाद कर रहे हो अपनी जिंदगी का कोई ख्याल ही नहीं करते। अब ये तो वो ठीक कहता था। तूने अपनी तालीम अपना मुस्तकबिल हमारी खिदमत पर कुर्बान कर दिया है। हेलो मुंशी जी और सुनो। अरे मालकन तुम जो समझती हो ना कि जानू ने खो दिया है हम समझते हैं जानू ने पा लिया है। हमने वो इलम तो सीखा नहीं है मालकन जो ऊंची कुर्सी और बड़ी नौकरी दिलाता है लेकिन तुम्हारे कदमों में रहकर मालकन वो इलम जरूर सीखा है जो खिदमत करना और दिलों में बैठ जाना सिखाता है। ये तो ठीक है बेटे लेकिन तू अपनी मेहनतों का वाजिब हिस्सा भी तो नहीं देता आखिर क्यों। क्यों ले क्यों ले। तुमने हम में और अपने में कोई फर्क रखा है क्या। अब एक हाथ कहीं दूसरे हाथ से कोई हिस्सा मांगता है। बोलो ना मालकन बोलो। मालकन 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 100 बार कहा है मालकन नहीं माँ कहा कर। अरे हमने भी तो 1000 बार कहा है कि नहीं कहेंगे नहीं कहेंगे नहीं कहेंगे। जिसे माँ कहने का हक हमसे पहले है ना मालकन जब तक वो इस हवेली में आकर तुम्हें माँ नहीं कहेगा हम भी नहीं कहेंगे। हमारा दिल कहता है मालकन एक ना एक दिन वो आएगा जरूर बेशक। अरे बाबा मैं तो बिल्कुल ही भूल गई वो जल्दी से स्टेशन पर चला जा रेलगाड़ी के आने का वक्त हो गया। वो रेलगाड़ी लेकर आऊं क्या मालकन। रेलगाड़ी नहीं मेरी भतीजी आ रही है शहर से वो खानदानी मंसूबा बंदी के सिलसिले में मैं उसके खाने का इंतजाम कर। पर मालकन वो अरे फिक्र ना करना वो खुद ही तुझे पहचान लेगी बड़ी होशियार है जा जल्दी। तुम भी फिक्र ना करो मालकन हम भी बहुत होशियार है यूं गए और यूं लेकर आए अभी लेकर आता हूं उसे। मुंशी जी वो भतीजी साहब के साथ खानदान की बंदी मालकन ने कुछ कहा था ना वो भाई बड़े खानदान की बंदी है लंबा चौड़ा खानदान होगा। बस 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 समझ गए हमारा नाम जानू है हम भी सब जानते हैं। अरे अब तो पहचान और भी आसान हो गई चट गया और पट लेकर आया। अच्छा अच्छा अभी लेकर आया मालकन। ओ मालकन देखो ले आया हूँ सारे खानदान को भी किया मालकन। ओ मालकन मालकन चढ़ गए का
बकरे के बच्चे किस कदर छात से खड़े हुए थे। चलो बस अरे दिखा दो सबको। अरे जानू ये सब क्या है? क्यों मालकिन हैरान हो गई ना जानू की अकल पर? इससे बड़ा खानदान पूरे स्टेशन पे कोई नहीं था। देख लो इंसानों से शुरू होकर जानवरों पे खत्म होता है। अरे मैंने खानदान नहीं खानदानी मनसूबा बंदी कहा था। क्यों मालकिन वो क्या इससे भी बड़ा खानदान होता है? अरे नहीं पगले वो तो अकेली है। अकेली? अकेली तो फिर ये क्यों रही मोदी स्टेशन पर? तो तू मेरी हर बात पर मुंडी हिला रही थी हा? जैसे अबे और सुसरे तूने भी समझा था कि कोई अनाड़ी टकराया है हा? पैर दो पैर की मेहमान नवाजी हो जाएगी। चल निकल बाहर अभी कराता हूँ मेहमान नवाजी। अरे मुंशी निकालो चिल्लर पार्टी को निकालो। अरे जानू ना जाने उस बिचारी का क्या हाल हुआ होगा। अब वो यहाँ कैसे पहुंचेगी? आदाब चाची जान, पहुंच तो गए हूँ मगर ये ना पूछिए कैसे पहुंची हूँ। अरे मेरी बच्ची शुक्र है तू पहुंच गई। मैंने तो इसे भेजा था लेकिन जाने ये किन लोगों को उठाकर ले आया। अच्छा तो ये है वो मंसूबा बंदी। अरे मालकन फिर तो सारी गलती जानू की नहीं इस मेम साहब की है। What nonsense? अरे अब क्या अंग्रेजी में गिट पिट कर रही है। उस वक्त हम मरगे मुर्गे हका कर ले जा रहे थे स्टेशन के चबूतरे पे खड़ी देख रही थी। बोली क्यों नहीं कि मैं हूँ? मैं तुम्हें हकाला था। मुझे क्या पता था तुम तो मुझे कोई मुर्गे वाले दिखाई दे रहे थे। मुर्गी मुर्गी मालकन देखो ये मुझे मुर्गी वाला बोल रही। अरे तुम क्या जानो? जानू को देखकर तो अनजानी छोकरियां भी आवाजें लगाती। वो जा रहा है जानू, वो जा रहा है जानू। और तुम बस तुम बस बस बंद जाओ मुंशी को मेरे पास भेज दो। भेजता हूँ। पता नहीं अपने आप को क्या समझता है। मैं बताता हूँ अपने आप को मैं क्या जा रहा हूँ। इसका तो बाबा आदम निराला है। जबान का तीखा है लेकिन दिल का बहुत अच्छा है बेटी। मगर ये है कौन चाची जान? अब तो सब कुछ यही है। अरे कलवा मुँह क्या देख रहा है? समेत कुरिया का सामान खाली पीली धंधे का वक्त खराब करके लिए रास्ता रोक रही है। नहीं सेठ करी भाई ऐसा जुलूम ना करो। जुलूम? अरे मिस्टर बेली तुम इसको समझाओ। मैं तो अपना हक मांग रहा हूँ, इसमें जुलूम का क्या है? अरे शेख करीम ने सारी जिंदगी कभी जुलूम नहीं किया है। ये अपना रिकॉर्ड है और बज रहा है। क्यों कलवा? ठीक बात है। करीम भाई मेरा शौहर सारी उम्र तुम्हें सूद देता रहा और सूद देते देते मर गया। अरे अपने खाते में भी यही लिखा है मगर असली रकम तो सारी की सारी डूबी पड़ी है ना। अरे तेरे को भी इस कूर कबार के साथ मिला के भेज दूंगा ना नानी अम्मा तो रकम पूरी नहीं होती। अभी तू पूछ ले मिस्टर फिलिप्स खुदा की कसम एक एक पाई का हिसाब लगा के बराबर बता दिया इसको। अरे मैं कह रहा हूँ हट जा। नहीं लगूंगी। अरे कोई मुझे बचाओ खुदा के लिए जालिम से मुझे बचाओ। क्या हुआ दादी अम्मा को? क्यों शोर मचा रही है दादी अम्मा? अरे गरीब चिल्ला रही है और तुम सब खड़े खड़े मिट्टी के माथे पर शक्ल देख रहे हो। क्या हुआ दादी अम्मा? मुझे बचाओ। अरे छोड़ ना बुढ़िया काहे को धंधे का वक्त खराब कर रही है। नहीं नहीं ये किसी यतीम की अमानत है ये डिब्बा मैं नहीं दे सकती। अरे तुम कहते नहीं देंगी डिब्बा तुम्हारी फैमिली भी डिब्बे देंगे। छोड़ो। अबे ओ सेठिए जानू जानू ये बदमाश मेरा घर लूट रहा है। चला ले अरे बाप रे हिलना शुरू हो गया है। अरे ये झूठी है खुदा की कसम मक्कारी कर रही है। ये बिल्कुल एक्टिंग कर रही है। अरे ये अमानत के बहाने असली माल पी जाना चाह रही है। असली माल पी जाना चाहती है, है? असली माल पी जाना चाहती है। अरे हमारा नाम जानू है हम सारे जानते हैं। लाल जी कुत्ते दादी अम्मा को गाली देते हुए तुझे अपनी याद नहीं आई? असली माल पी जाना चाहती है असली को और दो। अरे कलवा झूठ पड़ी कहीं टूट न जाओ। अरे कलवा है अरे मैं चेहरा बना दूंगा। अरे मुन्ने दो हाथ पड़ते ही छट्टी का दूध याद आ गया है।
वालेकुम सलाम सेठ का बच्चा। दादी अम्मा तुम्हारे घर तो क्या आइंदा कभी ये तुम्हारे ख्वाब में भी आ जाए ना लालची कुत्ते तो हमको बताना, मार मार के एक एक का खाना पीना जीना हराम कर दूंगा। हाँ अच्छा मेरी प्यारी बहनों, ये थी एक खुशहाल खानदान की कहानी। अब तुम सब समझ गई हो ना कि खानदानी मंसूबाबंदी तुम्हारे लिए हमारे मुल्क के लिए कितनी फायदेमंद है। शाबाश, कैसे नहीं होने देंगे, हम सब के मर्दों को हल चलाने चिलम उड़ाने और बच्चे पैदा करने के सिवा कुछ आता ही नहीं। हाँ बहना समझ गए, चुटिया पकड़ कर बोलेगा सुसरी तुझे ब्याह कर लाया हूँ अपने बच्चों की माँ बनाने, कोई अपनी माँ बनाने नहीं लाया। हाय अल्लाह, मर्दों से ये गंदी गंदी बातें कौन करेगा। अरे बाबा ये गंदी गंदी बातें नहीं है, ये तो बड़े काम की बातें हैं। तुम सबका फर्ज है कि तुम अपने शौहरों को मजबूर करो, क्योंकि तुम्हारी सेहत के लिए तुम्हारी जवानी के लिए वक्फा बहुत जरूरी है। बिल्कुल ठीक, बच्चे कम खुशहाल घराना, ज्यादा बाल ते जीदा जंजाल। देखो मैं तुम सबको गोलियां दूंगी दवाइयां दूंगी, शौहर को चाहे बताओ चाहे ना बताओ, शहर में अब ये बातें आम हो चुकी है। मैं तुम्हारे लिए शहर से बहुत सारे नक्शे और चार्ट लाई। अच्छा तो चार्ट लाई हो शहर से इन चटोरियों के लिए। अरे तुम क्या गंदी गंदी बातें सिखा रही हो, इन सबको शर्म नहीं आती, और इन बेशर्मों को देखो कैसे चटखारे ले लेकर सुन रही है। बच्चे पैदा नहीं करेंगी, अरे औरतें बच्चे नहीं पैदा करेंगी तो क्या मर्द पैदा करेंगे बच्चे। चलो भागो यहां से, उठो उठो, वरना क्या क्या मर्द से ऐसी पिटाई कराऊंगा कि हल्दी चूने से भी चोट नहीं जाएगी। बच्चे पैदा नहीं करेंगी तो क्या अनाज पैदा करोगी। भागो यहां से। जानो तुम हर बात को गलत समझते हो, ये औरतों का मसला है तुम नहीं जानते। अरे हमारा नाम जानू है, हम सब जानते हैं। हाँ जानू, तुम्हारी हमारी दोस्ती इसलिए हुई थी कि अब हम झगड़ा नहीं करेंगे। अरे झगड़ा होगा और बीच बाजार में होगा, क्यों नहीं होगा। तुम गांव की औरतों को मर्दों के खिलाफ बागी करो और जानी तुमसे दोस्ती करे। अच्छा अब दोस्ती खत्म, मैं अभी अभी तुम्हें इस बदतमीजी का मजा चखाती हूं। हाँ ठीक है ठीक है। ये मनसूबाबंदी मालकन के पास तो नहीं चलेगी, बहुत खतरनाक है ये। चाचा चाचा मैं बता नहीं सकती, गांव की तमाम औरतों के सामने आज कितना जलील किया है जानू ने मुझे। झूठ सफेद झूठ मालकन, जानू ने किसी को जलील नहीं किया, इसमें इंसान ने जलील किया है हमको, आपको और अपने आप को। क्या क्या मैंने जलील किया? हाँ हाँ, अरे गांव की औरतें जब अपने अपने मर्दों से जाकर कहेंगी कि मालकन की भतीजी लुगाइयों का मेला लगाकर गंदी गंदी बातें कर रही थी तो क्या सोचेंगे। तोबा तोबा तोबा, मैं गंदी गंदी बातें नहीं तो क्या मैं कर रहा था। चाची जान मैं तो मनसूबाबंदी के सिलसिले में मीटिंग कर रही हूँ। खूब जानते हैं हम तुम्हारी टिंग टिंग को, हमारा नाम जानू है और हम सब जानते हैं। अभी हाथ पीले हुए नहीं है, दीदों का पानी उतर गया है। छींची छींची छींची, क्या बकवास लगा रखी। अरे बकवास हमने नहीं इसने लगा रखी थी मालकन, तीन पार्ट फाट फाट बोले जा रही थी, बेशर्मी की भी हद होती है। बोल दूं? बोल दो, सोच लो बोल दूं? हाँ हाँ बोल दो। अभी जितनी गंदी इसने की है ना मालकन, उतनी गंदी तो हम बोल भी नहीं सकते। बोलती थी वक्फा बहुत जरूरी है, बच्चे मत पैदा करो, और लालच देने के लिए लुगाइयों में मीठी मीठी गोलियां भी बांट रही थी। ए जानू चल यहाँ से बेशरम, ये तो इसकी ड्यूटी है, तेरे समझने की बात नहीं। अरे कैसे नहीं है मालकन, इसको क्या हक पहुँचता है हमारी आने वाली नस्लों को रोके, खुद तो एक बच्चे का बोझ उठाया नहीं, दूसरों को बहकाती है बच्चे बोझ होते। वाह अरे पगले, ज्यादा बच्चे खानदान ही के लिए नहीं मुल्क के लिए भी नुकसानदेह। अगर आबादी इसी तरह बढ़ती रही तो बेशुमार ऐसे मसले पैदा हो जाएंगे जिनका हल करना नामुमकिन है। मगर अभी हमारे गांव में ज्यादा बच्चे ही कहाँ है, ननवा के घर में कोई लड़का नहीं है, तनवा की जोड़वा लड़की को तरस रही है। अभी हमारी हवेली को ले लो ना, एक ही तो बच्चा था, जिस दिन से चला गया है सारी हवेली सुनी सुनी लगती है। क्यों मत दिया ना हमारी मालकन को। मैंने रुलाया? हाँ तुमने रुलाया है, अब इस घर में या हम रहेंगे या तुम रहोगी, हम तुम्हारा जीना हराम कर देंगे मनसूबाबंदी। हमारा नाम जानू है जानू। हाँ
मास्टर, ये शहर के जमाना स्कूल कॉलेज में पढ़ाई लिखाई से ज्यादा लिपाई पुताई सिखाई जाती है क्या? ये लिपाई पुताई क्या? चची जान, मेकअप और फैशन का मजाक उड़ाया जा रहा है। कौवा क्या जाने जाफरान की कलर। अरे बेटे, इसमें क्या बुरी बात है? पहले जमाने की औरतें ये सुरमा, मिस्सी, मेहंदी ये सब लगाया करती थी, अब उसकी जगह मेकअप ने ले ली। परमार्थन, पहले जमाने की औरतें घर संसार झाड़ पोंछ चूल्हा हांडी ऐसा करती थी कि सुनाए मर्द सोचता था जन्नत वहाँ है कि यहाँ है। और ये आपकी ये जनाब, अब की औरतें क्या नहीं करती? करती है लेकिन सिर्फ हमारे गाँव की। इन शहर की छोकरियों को तो सिवाय चेहरे को बनाने और बिगाड़ने के और कुछ आता ही नहीं। क्या नहीं आता? क्या आता है? मैं सब कुछ करती हूँ, खाना ऐसा पकाती हूँ कि एक एक डिश पर खाने वाले उंगलियां चाटते हैं। जाने दो। अरे तुम्हारे लिए तो एक अंडे का उबाल जान का जंजाल है। जर्दी का सत्यानाश तो करी दोगी और सफेदी उसका तो भेड़ा घर खो ही जाएगा। उंगलियां चाटते रहते। चाची जान, जानू क्यों तंग कर रहा है बेचारी को? तू खाने के वक्त भी चेड़छाड़ से बात नहीं आता। कल सारा खाना मैं पकाऊंगी चाची जान। अल्लाह रहम करे, ताकि इन गवार और नादान लोगों को पता चल जाए कि शहर के स्कूल और कॉलेज की लड़कियां आजकल क्या कमाल हासिल कर रही हैं। अरे पता तो जब चलेगा जब बाहर के चार चौधरी इंसाफ करने वाले भी हों। क्यों मालकन? अच्छी बात, कल मैं कुछ लोगों को खाने पर बुला लेती हूँ, फिर पता चलेगा हमारी बेटी के हाथ में कितना जायका है। खास जायका होगा, किरचा डोई तो कभी नसीब नहीं हुई ना कभी फूकनी मुँह को लगाई। चलिए खाना पकाने। देखा जाएगा। हाँ देखा जाएगा, घूरती क्यों? न जाने उन किताबों में क्या नाप शनाप लिखा होगा। हमको क्या मालूम है? तुमको कुछ मालूम है? हमको क्या मालूम है मानकर, हम तो उधर गए भी नहीं सुबह से। हमको क्या मालूम है? हमको नाच में आता नहीं तेरा। मेरा बुलबुल सो रहा है, शोरगुल न मचा। मेहमानों के सामने मुझे जलील करके कलेजा ठंडा हो गया तुम्हारा? अरे हमारा कलेजा कोई चूल्हा है क्या जो कभी ठंडा और कभी गर्म हो जाए? हम तो पहले भी इसी तरह झूलते थे और अब भी झूल रहे हैं। आज मैं पूछ कर रहूंगी आखिर मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा। अरे कौन बिगाड़ सकता है जानू का, बिगाड़ा तो है तुमने। असली घी, बासमती चावल, सारे बावर्ची खाने का राशन, और क्या बिगाड़ोगी? देखो जानू, मुझे समझने की कोशिश करो, मैं तुम्हें बुरा नहीं समझती, दिल के तुम बहुत अच्छे हो, मगर अगर मगर छोड़ो, हम अच्छे हैं या बुरे, पर ऐसे छोकरे नहीं है जो छोकरी के मुंह से अपनी तारीफ सुन के बोम बत्ती की तरफ पिघल जाए। फिर वही अगर देखो जानू, मेरी भी कुछ मजबूरियां हैं, मैं यहाँ रहना चाहती हूँ,
क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम लड़ने झगड़ने की बजाय दोनों मिलजुल कर रहे हैं? कैसे हो सकता है? तुम गिटपिट करती रहती हो और हम ठाए ठाए करने वाले। आग और पानी का भी कभी मेल हुआ है? आग मैं नहीं, तुम हो। तुम जितना समझाते हो उतना ही भड़कते हो। मैंने तुमसे दोस्ती की, तुमने मुझे जलील किया, तुम सताते रहे, मजाक उड़ाते रहे और मैं सब बर्दाश्त करती रही। आखिर तुम चाहते क्या हो? मैं चली जाऊं यहाँ से? अरे हम कौन होते हैं तुम्हें चाहने वाले? हम क्यों बोले कि चली जाओ? अपनी खुशी से आई हो, अपनी खुशी से जाओ। ठीक है, मैं चली जाऊंगी। मेरे सीने में भी दिल है, पता नहीं आखिर मैं ये जिल्लत कब तक बर्दाश्त करूंगी। मेरे जाने के बाद तुम्हारा दिल तो ठंडा हो जाएगा ना, फिर तो तुम्हें बहुत खुशी होगी ना। अरे हमें ना तुम्हारे आने की खुशी थी ना जाने का गम है। हम अपना दिल बीच में ठंडा गरम क्यों करें? सुन रही हो? अच्छी तरह सोच ले बेटी, तेरे यहाँ रहने से मेरा दिल भी लगा रहता है। मजबूर न कीजिए जतिजान, अब मेरे यहाँ रहना नामुमकिन है। मगर क्यों? कहीं इसकी वजह जानू तो नहीं? देख बेटी, उसे समझने में थोड़ी देर लगती है मगर वो नहीं। नहीं चाची जान, जानू तो बहुत अच्छा है। दरअसल मुझे यहाँ घुटन सी महसूस होती है और मेरी तबीयत भी गिरी गिरी सी रहने लगी है। अरे बेटी, ये गांव तो आबो हवा के लिए मशहूर है मगर दूध तो पीती नहीं, मक्खन को हाथ तक नहीं लगाती। खाने पीने की बात नहीं है चाची जान। अच्छा, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। कुछ कहने से पहले हमारी सुन लो मालकन, इसने जितनी भी शिकायतें लगाई है ना तुमसे हमारी। किसने शिकायत लगाई? अरे इस मेन साहब ने, जो जाने के बहाने ढूंढ रही थी। उसने तो किसी की शिकायत नहीं की, उल्टा तेरी तारीफ कर रही थी। तारीफ कर रही थी? हाँ। क्या कह रही थी मालकन? कह रही थी जानू बहुत अच्छा है। और क्या कह रही थी? पीठ पीछे तारीफ, ये तो बहुत खूबी की बात है ना मालकन। अरे बड़ी खूबियों की मालिक है, इसने ये तालीम और नौकरी बगैर किसी की मदद के हासिल की है। जिद करके चली तो गई है मगर इसका इस दुनिया में मेरे सिवा है कोई नहीं। तेरी की जानू के बच्चे, तेरी असल में भूसा। क्या हुआ? अरे काम उल्टा हो गया मालकन, अभी सीधा करके आता हूँ। चलो जी, जी। चलो बल्ले वाले में या पल्ले वाले? बच्चे चल, हार यहाँ से फुट्टा खा चल। आखिर ये सब क्या हो रहा है? क्या मतलब है तुम्हारा? अरे मतलब कोई नहीं है। हमें मालूम हुआ है कि इस दुनिया में तुम्हारा मालकन के सिवा कोई नहीं है, इसलिए तुम्हें लेने आ गए हैं। चलो उठाओ अपना सामान और चलो हमारे साथ। आपकी रहमदिली का बहुत बहुत शुक्रिया। अरे ठहरो तो सही, हमें मालूम हुआ है कि तुम बहुत सारी खूबियों की मालिक हो। आज हम तुम्हारी एक बहुत बड़ी खूबी से शर्मिंदा होकर तुम्हें लेने आए, ये कोई मामूली बात नहीं है। हाँ चलो उठाओ सामान चलो। क्या फायदा, दो दिन के बाद फिर वही लड़ाई, फिर वही झगड़ा। देखो जानू, अगर तुम मुझ पर रहम खाना चाहते हो तो मुझे जाने दो, मुझसे अब और जिम्मत बर्दाश्त नहीं होती। थैंक सर। हम बहुत बुद्धू हैं सारा, बहुत बेवकूफ हैं। देखो ना, हम आए थे तुमसे पिछली बातों की माफी मांगकर तुम्हें मनाने के लिए और हमने तुम्हें फिर से रुला दिया। यकीन जानो हम तुम्हें कभी रुलाना नहीं चाहते थे। पहले ही दिन से तुम हमको इतनी अच्छी लगती थी कि हम हमेशा तुम्हारे नजदीक रहना चाहते थे, पर क्या करें हम जाहिल है ना। जब कभी अपने दिल की बात बताने तुम्हारे पास आते थे तो बता नहीं सकते थे और तुमसे लड़ना झगड़ना शुरू कर देते थे। हमारी बेवकूफी की वजह से तुम्हें कितना दुख पहुंचा है ये हम आज समझे हैं। हमें माफ कर दो सायरा, माफ कर दो। हम वादा करते हैं आइंदा तुम्हें कभी कोई दुख नहीं देंगे। चलो चलो सायरा, घर चलो चलो चलो। अपने से लगते हैं आंखों को बेगाने।
आंसुओं से तेरा गुनाह धुल नहीं सकता बोली, पंचों के सामने तेरे गुनाह का पर्दा उठ चुका है। फिर भी चौधरी तुझे अपनी तरफ से आखिरी मौका देता है, कुछ बोलना चाहती है तो बोल। अरे अब ये बोलेंगी क्या, काक धूल, इस यतीम छोकरी के करतूत तो देखो, शादी की नहीं है, माँ पहले ही बनने वाली है। सेठ करीम हमेशा सच बोलता है, ये अपना रिकॉर्ड है और बज रहा है, क्यों करवा? इसने खाली अपने ही मुंह पर नहीं बल्कि सारे गांव वालों के मुंह पर तालक मली है। इसको यहाँ नहीं रहना चाहिए, इसको गांव से निकाल दो। बिल्कुल बराबर फैसला किया है, एकदम राइट। इसकी कोई जरूरत नहीं है, कोई मर्द होता था ना तो उसको फतरे ने मार मार के इसको वो क्या बोलते हैं, संसार कर देते। मगर औरत है, इसको जलील करो, रुतवा करो, ख्वार करो, एंड गेट आउट, कोई जरूरत नहीं, निकल दो गांव से बाहर। चौधरी साहब, मामला तो ये 100% पंचायत का है, और मालकन भी कहती है किसी के मामले में ना बोला कर, पर खुदा कसम बोले बगैर जानू भी नहीं रह सकता। जिधर तक बोलने का सवाल है वो तो ठीक है, मगर हाथ पांव पे काबू रखना। क्या कौन जानू, क्या कहना चाहते हो? चौधरी साहब, ये ठीक है कि इस लड़की ने बहुत बड़ा गुनाह किया है, और ये भी ठीक है कि इसको सजा भी उतनी ही बड़ी मिलनी चाहिए, पर एक छोटी सी बात जानू के छोटे से दिमाग में बड़ी खलबली मचा रही है। चौधरी साहब, अगर इजाजत हो तो पूछ लूं? पूछो, क्या पूछना है? अब बस पूछना ये था चौधरी साहब के जो गुनाह इस लड़की ने किया है, क्या वो अकेले किया जा सकता है? मेरे ख्याल में तो अकेले तो नहीं हो सकता है, क्यों चौधरी साहब? हाँ, अकेले नहीं हो सकता। नहीं हो सकता ना, तो फिर वो दूसरा किधर है? उसे भी इसके साथ क्यों नहीं खड़ा किया गया? उसके मुंह पर भी कालिक मलने और पत्थर मारने का फैसला क्यों नहीं सुनाया गया? सिर्फ इसलिए कि वो मर्द है, और भोली के साथ ये सुलूक इसलिए कि ये औरत है, बेबस है, कमजोर है। मर्द हजार गुनाह करके भी अकड़ कर चल सकता है, औरत एक भूल करके सारी जिंदगी नजर नहीं उठा सकती। मैं कहता हूं चौधरी, उस मर्द को भी सामने लाओ, कौन है, कहां है वो, लाओ उसे भी। यही तो हम भी इससे पूछ पूछ के थक चुके हैं, पर बोलती ही नहीं, साफ जाहिर है कि इसी का कसूर है। बोलती नहीं? अरे कैसे नहीं बोलेगी, हम इससे बुलवाएंगे, मगर जब इसने नाम बोल दिया तब हम उस मत को भी वही सजा देंगे। हाँ, ये हुई ना पंचों की बात। बोली चल मेरे साथ। हम जानते हैं भोली तो ऐसी लड़की नहीं है, फिर ऐसा गुनाह तुझसे कैसे हुआ? गुनाह ना कहो जानू भैया, इतनी बड़ी गाली तुम्हारे मुंह से अच्छी नहीं लगती,
मैंने कोई गुनाह नहीं किया, कोई भूल नहीं की। तो फिर ये सब कैसे हुआ? क्या करोगे पूछकर? मेरी बेकसी पर जो दाग लगना था लग चुका, मुझ पर जो जुल्म होना था हो चुका, मुझे जबरदस्ती लौटा दिया जाने वाला। कौन है तेरा? एक बार जानू को उसका नाम बता दे, देख जानू क्या करता है। क्या है नाम उसका? कैसे बताऊं? बताऊंगी तो इस पंचायत में सर उठाकर बैठने वालों के सर झुक जाएंगे, उनकी इज्जत, उनके खानदान का भरम खुल जाएगा। अरे झूठों का भरम खुलना ही चाहिए। भोली बता दे क्या नाम है उसका। तो फिर सुनो, इस भरी पंचायत में जो मेरा मुंसिफ बनकर बैठा है वही मेरा मुजरिम है, चौधरी का बेटा जबरू। जबरू? मिलना शुरू कर दिया है, अब एक किसी के काम आते। कमीने! ये रहा भोली का मुजरिम चौधरी, सजा दो इसे, वही सजा जो तुमने भोली के लिए सुनाई थी। अब निकालो इसे गांव से, मलो इसके मुंह पर काले कर, मारो इसे पत्थरों से। अरे पत्थर के बुत क्यों बन गए चौधरी, बोलते क्यों नहीं? इसलिए कि ये तुम्हारा बेटा है, और भोली के मामले में तुम्हारी जबान इसलिए चलती थी कि ये यतीम और बेसहारा लड़की है। अब फैसला सुनाते हुए घबरा क्यों रहे हो चौधरी? अरे हम जानते हैं कि अब फैसला सुनाना तुम्हारे लिए इतना आसान नहीं, बहुत मुश्किल है। अब ये फैसला करेगा जानू। हाँ, तुम्हारे इस गुनाहगार बेटे की शादी अब इसी लड़की से होगी चौधरी, यही होगी, इसी वक्त होगी और पंचों के सामने होगी। अरे अब क्या सोच रहे हो चौधरी? तुम अपनी चौधराहट बेचकर भी अपने लिए बहू ढूंढोगे तो ऐसी सब्र करने वाली बहू तुम्हें नहीं मिलेगी, जिसने तुम्हारी इज्जत और तुम्हारे बेटे के ऐब छुपाने के लिए पत्थर खाना भी कबूल कर लिया। मुझे माफ कर दो जानू भैया, तुम्हारा हर फैसला मुझे मंजूर है। ये तेरे काबिल तो नहीं है, लेकिन तू इसे अपने काबिल बना सकती है। हमने फैसला इसलिए किया कि इसी में तेरी भलाई है। मैं तुम्हारा एहसान जिंदगी भर नहीं भूल सकती जानू भैया, तुम इंसान नहीं फरिश्ता। अरे अरे क्या करती है क्या करती है, फरिश्ते तो आसमानों पे रहते हैं, हम तो इंसान है सब की तरह जमीन पे रहने वाले। जबरू कान खोल के सुन ले, अगर शादी के बाद तूने कभी भोली को तंग किया ना तो हमसे बुरा कोई ना होगा, हमारा नाम जानू है और हम सब जानते हैं। हाँ अरे तुम सब खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो? अभी रखो बुए, भाग के जाओ काजी को बुला के लिया और साथ थोड़ी मिठाई भी लिया। जानू भैया मिठाई के पैसे? अरे करीम सेठ देगा मिठाई के पैसे। उसे मारा तो ओहो, बड़े छाट है, बड़ी तैयारियां हुई है। अरे हुई नहीं, करनी पड़ी है एकदम अचानक, जैसे बिजली गिरती है ना। एक शहर की लौंडी आशिक हो गई है हमको। अच्छा, ऐसी क्या बात है जनाब ने? ए लो, अरे एक दो नहीं हजारों बातें हैं हमने। चलिए हजारों में से एक ही बता दीजिए। अरे बता दिया ना तो अभी लोहा मान जाओगी हमारा। शहर में असली दूध मिलता है नहीं मिलता, यहाँ मिलता है कि नहीं? शहर में असली घी मिलता है नहीं मिलता, यहाँ मिलता है कि नहीं? बिल्कुल मिलता है। अरे बस, तो फिर साबित हो गया, शहर में ना असली दूध मिलता है ना असली घी मिलता है, तो फिर असली आशिक कहाँ से मिलेगा? यहाँ मिलता है कि नहीं? मिलता है। ये हुई ना बात। कहने से कुछ नहीं होता, इसके लिए सबूत चाहिए। अरे इससे बड़ा सबूत और क्या होगा कि हर बार हम मेले पे जाते थे सिर्फ अपने मौज मेले के लिए, और अब की तुम्हारी कसम जा रहे हैं सिर्फ तुम्हारी खातिर।
ऐसी ऐसी चीजें खरीद के लाएंगे ना मेले से कि देखोगी तो सर चकरा जाएगा। हाँ चीजें खरीद कर ला सकते हो पर साथ मेले पे नहीं ले जा सकते। मेले पे जाओगी तुम? हाँ। और वो भी इस लिबास में? अरे फिर तो सारा मेला तुम्हें देखने लग जाएगा और हम किसी ऊंचे फट्टे पे बैठ के आपका गोला खाने लगेंगे। अरे हमारा नाम जानू है, हम सब जानते हैं, कभी नहीं ले जाएंगे तुम्हें। आह जानू भैया कपड़े का बहाना नहीं चलेगा, कपड़े तो मैं ला देती हूँ सारा बाजी को, लेकिन एक शर्त पे मुझे भी साथ ले जाना पड़ेगा। मुझे भी साथ ले जाना पड़ेगा? अरे चिलपिलाटी मौके से फायदा उठाती है, औरत आई और मुश्किल शुरू हो गई। अब जाए तो मुश्किल, ना जाए तो मुश्किल। अब जाओ ना, खड़ी खड़ी शक्ल क्या देख रही हो, जाओ तैयार हो जाओ। तो छोकरियां तो मेले में काफी पैसा खर्च करा देंगी हमारा। बंद करो ये वाहियात खुराफात। What? Why do? अरे ये हमारे गांव का मेला है या बेशर्मी का मंडवा, उठाओ से यहाँ से। ओ मैं तुम नहीं जानता, ये शहर का मॉडर्न डांस है। अरे हम नहीं जानता। अरे मैन आजकल पब्लिक यही मांगता है। पब्लिक यही मांगता है, तुम जैसे लोगों ने बेचारी पब्लिक का सत्यानाश किया हुआ है। मेन साहब अंदर जाओ, डांस करना है तो अपनी शलवार पहन कर आओ, नहीं तो नहीं तो वाट वाट का बच्चा। क्यों रहने दे, हंगामा करते हो, ये लोग ऐसे नहीं मानेंगे। अरे मानेगा तो इनका बाप भी, हमारा नाम जानू है, हम इनको मनवा कर ही छोड़ेंगे। अच्छा चलो चलो शुरू करो जूलियट। की है बात ही निराली, मेरे देश की है बात ही निराली, मेरे देश की है बात ही निराली। ओ प्यार से तुम्हें प्यार से गुलशन की डाली डाली, मेरे देश की है बात ही निराली। अपनाए जो के है बेगानी, लोगों तुमको ले डूबेगी एक दिन ये कुरियानी। मुझको जरा समझा ये कैसा चलन है, जिस पर नाज है तुमको वो लच्चरपन है। शर्म होया है अपना जेवर क्यों भला हम छोड़े, ये रीत पुरानी क्यों भला हम छोड़े। मेरे देश की है बात ही निराली, ओ झूमे प्यार से, झूमे प्यार से गुलशन की डाली डाली।
अपनी रीत भुलाने वालों, अंग्रेजी धुन पर अपने जिस्मों को नचाने वालों। जग में सबसे प्यारा संगीत हमारा, कानों में रस घोले हर गीत हमारा, मेरे देश की है बात ही निराली। ओ झूमे प्यार से, झूमे प्यार से गुलशन की डाली डाली, मेरे देश की है बात ही निराली, मेरे देश की है बात ही निराली, मेरे देश की है बात ही निराली। क्या मानती है जानू? क्या है जानू की जान? तुम मुझे यहाँ क्यों लाए हो? अरे इसलिए लाए हैं कि वहाँ सबके सामने हम तुम्हें जी भर के देख भी नहीं सकते। अच्छा जनाब, अब तो देख लिया है, अब चलो। अरे मनसूबा बंदी वो मोहब्बत ही नहीं होती जिसमें जी भर जाए, समझी? इतनी ऊंची मोहब्बत का दावा जरा सोच समझ के करना चाहिए। अच्छा तो तुमको हमारी बातों के यकीन नहीं है? तो इधर आओ, इधर आओ। ये देखो, ये है हमारे बिछड़े हुए भाई राशिद के प्यार की निशानी, और ये हमें अपनी जान से ज्यादा अजीज है। हम इसकी कसम खाकर कहते हैं सारा, कि अब जानू तुम्हारे बगैर जिंदा नहीं रहेगा। जानू? हाँ सारा, लेकिन हम तुम्हें अपनाएंगे उस दिन सारा, जिस दिन हमारा बिछड़ा हुआ भाई राशिद वापस आ जाएगा। अगर अगर वो कभी ना आए तो? ऐसा ना कहो सारा, ऐसा ना कहो। हमारा दिल कहता है कि वो इंशाल्लाह आएगा, बहुत जल्द आएगा। वेरी गुड मिस्टर राशिद, तुमने आज तक जो काम भी किया है लाजवाब किया है। आज तक मैंने जो कुछ भी किया मैंने नहीं किया। वाह, वर्कर हो तो ऐसा हो, क्या खाकसारी है। मांगो, क्या मांगते हो? बरसों के बाद इस सरजमीन पर कदम रखा है, गांव जाना चाहता हूं। What nonsense! दुनिया के हसीन मुल्कों के बाद गांव क्या रखा है गांव में? रोशनी, वो रोशनी जो दुनिया में मुझे कहीं भी नजर नहीं आती। लेकिन अंधेरे रोशनी के साथ नहीं मिल सकते मिस्टर राशिद, इसलिए कि मिलते ही खत्म हो जाती है। मैं सिर्फ छुप कर एक नजर अपनी दुखिया माँ को देखना चाहता हूँ। देखने दिखाने से क्या होता है, तुम जितना रुपया चाहे अपनी माँ को भेज दो। रुपये की मेरी माँ को जरूरत नहीं है, दुनिया की तमाम दौलत उसके पास है, लेकिन उसके दिल का चैन लुट गया है। एक माँ के लिए दुनिया की सबसे बड़ी दौलत उसकी औलाद होती है। औलाद माँ भाई, इस कारोबार के दायरे में आती सारे रिश्ते टूट जाते हैं मिस्टर राशिद, सिर्फ एक रिश्ता बाकी रह जाता है, अपनी हिफाजत और अपनी सलामती का रिश्ता। लेकिन मैं अब अपनी माँ से मिले बगैर नहीं रह सकता। तुम अपनी माँ से नहीं मिल सकते, तुम भूल गए हो कि तुम कातिल हो, मफरूर हो, और कानून की जबान पुलिस की आंखें किसी दौर और किसी वक्त में बंद नहीं होती। तुम हमारे कदमों के निशान और हाथ की लकीर बन चुके हो मिस्टर राशिद, और हम वो लकीर वो निशान मिटा दिया करते हैं जो हमारे लिए खतरा पैदा करें। मैंने तुम्हें बहुत पहले समझा दिया था कि हम एक दूसरे के लिए बेमिसाल दोस्त भी हैं और खतरनाक दुश्मन भी। जाओ और सब कुछ भूल जाओ। केक काटिए ना चाची जान। मेरा प्यार
इस खुशी के मौके पर ये उदासी कोई अच्छी बात है क्या? हम तो हर साल ये सालगिरह इस यकीन के साथ मनाते हैं कि एक ना एक दिन राशिद भैया जरूर आएंगे। केक काटो ना मालकन। जानू साहब, मैं एक अखबार वाला हूँ। इस मौका से फायदा उठाते हुए आपकी कुछ तस्वीरें बनाना चाहता हूँ ताकि आपकी जिंदगी के हालात अपने अखबार में छाप सकूँ। अखबार में और हमारी जिंदगी? जी हाँ, हमारा अखबार दुनिया के कोने कोने तक जाता है। कोने कोने तक जाते हैं? अरे भैया, तो फिर हमारे लिए नहीं, हमारे उस बिछड़े हुए भाई के लिए लिखो ना। लिखो राशिद, तू कहाँ खो गया है, कहाँ छुप गया है, आके देख माँ तेरे लिए कितनी बेचैन कितनी बेकरार है। ये जागीर, ये हवेली सब हमारी आंखों की तरह तेरी एक झलक को तरस रही है। अखबार वाले भैया, हमारी ये पुकार, हमारा ये पैगाम गांव गांव शहर शहर दुनिया के कोने कोने तक पहुंचा दो ताकि हमारा बिछड़ा हुआ राशिद हमसे फिर आ मिले। ए भाई, उठाओ जाओ, हमारे साथ साथ पिएंगे। मुझे इस चीज से नफरत है। नफरत? जान से नफरत, काम से नफरत। हर वक्त गुमसुम क्या सोचते रहते हो? कुछ नहीं। जानो जिंदा है। ए भाई, तुम तो ऐसे शोर मचा रहे हो जैसे मुर्दा जिंदा हो गया। हाँ, मुर्दा ही जिंदा हो गया। ये देख, इसके लिए मैं मरा था, वो शख्स जिंदा है। मेरे बचपन का साथी, मेरा जानो, जानो जिंदा है, जानो जिंदा है, जानो जिंदा है। कहाँ जा रहे हो? ये देखो बॉस, वो जिंदा है बॉस, वो जिंदा। इसके गम की आग में मैं परसों चलता रहा हूँ, वो जिंदा है बात, जानो जिंदा है, जानो जिंदा है बात। मैं कातिल नहीं हूँ, मैं मुजरिम नहीं हूँ। तुम इससे भी बदतर हो। तुम वो नुक्ता हो जिससे कानून और पुलिस हमारे सारे चक्कर का पता लगा सकती है। और नुक्ते अपनी जगह से मिट तो सकते हैं मगर अपनी जगह से हिल नहीं सकते। रास्ते में कोई ना है बॉस, आज मुझे माँ के पास जाने से कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोक सकता। चैलेंज और इस ग्रुप को, तुम्हारी मौत तुम्हें आवाज दे रही है। नहीं बॉस, मेरी जिंदगी ने मुझे आवाज दी है। तुमने एक मुर्दा कैदी की लाश को जहां चाह पहुंचा दिया, लेकिन मेरी मजबूरी खामोश रही। आज माँ ने मुझे आवाज दी है और अब इस आवाज का रास्ता कोई नहीं रोक सकता। इसके होश ठिकाने लगा लो। जो कुछ करते रहे हो उसकी सजा तुम्हें कानून और हुकूमत जरूर देगी, और अगर उनसे बच गए तो खुदा के कानून से नहीं बच सकोगे। इसलिए मैं तुम्हें जिंदा छोड़कर जा रहा हूं। मैं तेरा चांद, तू मेरी चांदनी। आज तो बहुत चहक रही हो। अरे ये सब तुम्हारे इश्क का कमाल है, कभी तुम्हारे प्यार में चहकते हैं, कभी बहकते हैं, कभी महकते हैं। बस बस बस, जाने शहर के दफ्तर से टेलीग्राम आया है। अरे टेलीग्राम आया हो या बेलीराम, हम किसी को स्टेशन लेने नहीं जाएंगे। अब जानू के तांगे में सिवाय सहारा के कोई और नहीं बैठेगा, समझी? टेलीग्राम किसी के आने का नहीं, मेरे शहर जाने का है।
तुम जा रही हो? हाँ जानू, मैंने यहाँ रुकने की बहुत कोशिश की मगर। अरे समझ गए सब अगर मगर। पहले यहाँ शहर के मर्द आते थे और गांव की गोरी से दिल लगाकर खिसक जाते थे, और अब जानू की बारी आई है तो मामला ही उल्टा हो गया है। जाओ जाओ, तुम भी जाओ। अरे मैं हमेशा के लिए थोड़ी जा रही हूँ, एक छोटा सा काम है, वो खत्म होते ही मैं वापस आ जाऊंगी। देखो सहरा, जब तुम आई थी तो मालकिन की भतीजी बनकर आई थी, और अब जा रही हो तो जानू की जिंदगी बनकर। बेगम साहबा, मिल गए, मिल गए, छोटे मालिक मिल गए। ये क्या कह रहे हैं? मैं नहीं कह रहा, टेलीग्राम कह रहा है, 17 मरतबा पढ़ा है, कल पहली ट्रेन से वो खुद गांव पहुंच रहे हैं। ये अल्लाह, किस जबान से तेरा शुक्र अदा करूं। अरे जानू, जानू सुना तुमने? अरे सुन लिया मालकन, सब सुन लिया, हम तो पहले ही से चिल्लाते थे कि आएगा और जरूर आएगा। हमारा ईमान है मालकन, उसके यहाँ देर है, अंधेर नहीं है, देखा तुमने? अरे मेरा बेटा आ रहा है, मेरा बच्चा आ रहा है। माँ की जगह बहसियत हम सफर कुछ पूछ सकता हूँ? हाँ। जब से आप सवार हुए कोई 100 दफा इस अखबार को देख चुके, इसमें किसी खजाने का राज छपा हुआ है क्या? जी हाँ, बहुत बड़ा खजाना, जिसे बचपन में खो दिया था और इस उम्र में हासिल करने जा रहा हूँ। लाखों की जागीर का वारिस लापता, सईदपुर की अजीम जागीरदारनी और उनके लेपालक जानू, लाखों की जागीर के इकलौते वारिस राशिद के लिए आज भी चश्म भरा है, तो गोया लाखों की जायदाद के इकलौते वारिस आप हैं। जी हाँ। और ये तस्वीर? ये मेरी माँ जी की है, और ये साथ जानू है जो मुझे भाइयों की तरह अजीज है। एक मरतबा बचपन में अब्बा मरहूम की बंदूक से खेलते हुए मुझसे गोली चल गई और जानू ढेर हो गया। मुझ पर यह खौफदारी हो गया कि मैं कातिल हूं। फिर अब 15 साल के बाद जानू और माची ने हमारे खानदान, हमारे जागीर के तमाम वाकयात अखबार में छपवा दिए, जिन्हें पढ़ते ही मैंने अपनी तमाम जंजीरें तोड़ डाली। अब तो जी ये चाहता है कि पलक झपकती ट्रेन सईदपुर पहुंच जाए। बिल्कुल। जैसा मैं कहता हूं वैसा ही करो, इसे उठाकर बाहर फेंक दो। अगर बॉस, इसे कत्ल करने से फायदा क्या होगा? पुलिस तो पहले ही हमारे पीछे लगी। इससे अच्छा मौका हमें फिर नहीं मिलेगा। इस तरह हम पुलिस की नजरों से कुछ दिनों के लिए रूपोश भी हो जाएंगे, और मैं राशिद बनकर सारी जागीर का वारिस भी बन जाऊंगा। वो कैसे? इधर आओ। 15 साल से इसके घर वालों ने इसे नहीं देखा है, इसे कौन पहचानता है? सब लोग तो मुझे राशिद समझेंगे, और अखबार में जितनी तफसील मैंने पढ़ी है वो मुझ जैसे घाघ आदमी के लिए काफी है। आओ मेरे साथ। आपकी जिंदगी का सफर खत्म हो चुका है जागीरदार साहब, अब बाकी सफर आपके नाम से मैं शुरू करूंगा। मुंशी जी।
शर्मा गई। वही खुशी, वही माहौल, वही सुकून। अरे वो सब तो गायब हो गया था राशिद भैया, आप तो भाग गए हो तो सब वापस आ गया, क्यों मालकन? अब्बा जान, माँ ये वही बंदूक है ना जो अगर अब्बा जान की ना होती तो मैं इसे मनहूस कहता। इसी की वजह से मैंने दर बदर की ठोकरें खाई, तुम्हारी मोहब्बत को तरसता रहा माँ, लेकिन अब हम कभी जुदा नहीं होंगे माँ, कभी जुदा नहीं होंगे। अरे राशिद मियां अभी तक सो रहे हैं, आंखें खोलिए जनाब, जरा पहचानिए तो भला आपसे कौन मिलने आया है। अच्छा तो मुझे भूल गया, मगर इसे तो नहीं भूले होंगे। देख लो राशिद मियां, हमने तुम्हारी याद को कितना संभाल कर रखा है, है? अरे अब भी नहीं पहचाना आपने, अब भला बताइए तो कौन हूं मैं? ओहो, आप जो कोई भी हो, आपको इस तरह मेरे कमरे में आने का कोई हक नहीं, समझे? माफ करना राशिद मियां, इस घर को मैं आज तक अपना ही घर समझता रहा, भूल हो गई। जिसे देखो मुंह उठाए चला आता है, और सुनिए आइंदा मेरे कमरे में बगैर इजाजत आने की कोशिश ना कीजिएगा। छोटे मालिक, इन्हें पहचाना नहीं, ये हमारे बचपन के मास्टर जी हैं। इसमें न पहचानने की कौन सी बात? मास्टर जी, अरे जानू बेटे, मैं तो राशिद मियां की बचपन की याद लेकर आया था, मगर इसने तो राशिद मियां की बातों का बुरा ना माने मास्टर जी, इतना आसान न जाने कैसे कैसे लोगों में रहे ना, कुछ तबीयत बदल गई है, माफ कर दीजिए। नहीं कोई बात नहीं बेटा, बेगम साहब पल्ली लाइन से शुरू करूं? पल्ली लाइन से जाओ बेटा, अपने हाथ से खाना तब चेंज कर दो। अल्लाह ही अल्लाह किया करो, दुख न किसी को दिया करो, जो दुनिया का मालिक है नाम उसी का लिया करो। अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह ही अल्लाह। जाने क्या और पल कर रही थी, कौन ही यहाँ झूठा, किसे झूठा कह रही थी? अरे बेटा, ये तो एक अरसे से यही गाना गाती है, न जाने तूने क्या समझ कर उसके मुंह पर थप्पड़ मार दिया। चल मेरे साथ चल। इसे माफ कर देना माँ जी, इससे भूल हो गई है, माफ कर देना इसे। जानू, आज तक इस गांव में मुझे किसी ने थप्पड़ नहीं मारा, कम थे परदेसी। ये परदेसी नहीं है माँ जी, अपने छोटे मालिक हैं, गांव में वापस आ गए। छोटा मालिक राशिद? राशिद नहीं हो सकता, ये राशिद नहीं हो सकता। बेईमान मक्कार, मेरे कहने के बावजूद तूने फिर 1200 रुपए जानू को दे दिए। मैं पूछता हूँ जानू होता कौन है? छोटे मालिक, मालिक भी कहता है और जानू के साथ मिलकर बेईमानी भी करता है,
राशिद मियां, कम से कम इस दरख्त के साये में जानू के लिए ऐसी बातें आपको जेब नहीं देती। क्यों? इस दरख्त पर जानू के खानदान का शजरा लिखा है क्या? जानू के खानदान का नहीं, आपकी मोहब्बत का। ताज्जुब है आपको अपने बचपन की ये निशानी भी याद नहीं। ओ बचपन बचपन बचपन, कभी कोई दरख्त, कभी कोई तस्वीर, कभी ये कभी वो, मुझे सब कुछ याद है। मुझे तो यूं लगता है कि तुम लोग इन बातों से मुझे पागल बना देना चाहते हो। ठीक है, अब मैं ऐसी कोई निशानी बाकी नहीं रखूंगा। मालिक मैं ही हूँ। अभी इसी वक्त उस दरख्त को कटवा। कौन से वाले को? पल्ले वाले को या बल्ले वाले को? उसी मनुष्य दरख्त को जिस पर हमारे बचपन की हिमाकतों का निशान है। अरे कैसी बातें करते हो छोटे मालिक, वो हिमाकतों का नहीं मोहब्बतों का निशान है। हम तो बरसों से चूमते रहे हैं, उसकी परस्तिश करते रहे आपकी खातिर। ठीक है ठीक है, अब मैं आ गया हूँ, मेरी परस्तिश करो, अब वही होगा जो मैं चाहूंगा। जाओ अभी इसी वक्त उस दरख्त को कटवा दो। वो दरख्त नहीं कटेगा। वो दरख्त अभी और इसी वक्त कटेगा। तुम कौन होते हो बीच में बोलने वाले? वही है छोटे मालिक, जिसके हाथों में हाथ डालकर आपने वो निशान बनाया था। निशान हमारा दिल है, हमारा जिगर है छोटे मालिक, और हमारे होते हुए उसे कोई हाथ नहीं लगा सकता। ये बात है तो मैं अपने हाथों से उस दरख्त को काटूंगा। वो दरख्त कट जाए हमसे बर्दाश्त नहीं होगा छोटे मालिक। तेरी ये मजाल। राशिद, ये सब क्या हो रहा है? बेगम साहबा, छोटे मालिक ने कहा वो बचपन का दरख्त काट दो, जानू बेटे ने कहा वो दरख्त नहीं कटेगा, बस इसी पर जरा सी बात बढ़ गई। मुंशी, जैसे राशिद कहता है ऐसा ही करो। बहुत बहुत शुक्रिया मां, तुमने मेरी इज्जत रख ली। जानू, मैं जानती हूँ तुझे मेरे फैसले से कितना दुख हुआ है, लेकिन जरा ये तो सोच, राशिद न जाने आज तक कितने दुखों में पलकर बड़ा हुआ है। तू तो बचपन से मेरे पास है, तुझे मेरा प्यार भी मिला है, लेकिन वो तो बचपन से माँ की ममता को तरस रहा होगा, इसलिए बेटे उसका दिल तोड़ने की मुझ में हिम्मत नहीं। मुझे माफ कर दे जानू। अरे कैसी बातें करती हूँ मालकन, तुम्हारी खुशी के लिए तो जानू अपनी गर्दन भी कटवा सकता है। ये दरख क्या चीज है, हम अपने हाथों से खुद काट कर फेंक देंगे उस दरख को, उसके टुकड़े टुकड़े कर देंगे मालकन। पर तुम ऐसा ना बोलो मालकन। जीत रहो बेटा, मुझे तुमसे यही उम्मीद। राशिद बेटी, तेरा दिल रखने को दरख्त तो कटवा दिया मैंने, मगर तुझे नहीं मालूम इससे जानू के दिल को कितनी ठेस पहुंची। मेरी समझ में नहीं आता तुझे अपने बचपन की यादों से इतनी नफरत क्यों हो गई है। कैसे ना हो माँ, जिन चीजों को देखकर मुझे तुमसे बिछड़ने का दर्दनाक जमाना याद आ जाए, मैं उन्हें बर्दाश्त नहीं कर सकता। मगर छोटे मालिक, वो सब तो हमारे बचपन के प्यार की निशानियां हैं। कैसी निशानियां?
जिन्होंने तुम्हें सब कुछ दिया और मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया। मैं इतनी बड़ी जागीर का अकेला मालिक होकर भी बरसों फादे करता रहा, दर दर की ठोकरें खाता रहा, और तुम ऐश करते रहे। तुम्हें ये निशानियां इसलिए अजीज है कि तुमने वो दुख नहीं देखे जो मैंने झेले, और यहां आकर भी मुझे क्या मिला है? इतनी बड़ी जागीर का अकेला मालिक मैं हूं, मगर बागों की आमदनी जानू के पास, जमीनों की आमदनी जानू के पास, तिजोरी की चाबियां जानू के पास। ये तो क्या कह रहा है बेटा? रहने दो मालकन, छोटे मालिक, ये आमदनी, ये खर्च, ये तिजोरी की चाबियां सब तुम्हारी अमानत है। तुम चले गए थे ना, इसलिए हमें बोझ उठाना पड़ा। अब आ गए हो तो हमारा ये बोझ भी हल्का कर दो। ले लो छोटे मालिक। शुक्रिया। वैसे तुम्हें ये काम मेरे आते ही कर देना चाहिए था। ये से क्या हो गया है जानू? कुछ नहीं हुआ मालकन, हमसे काफी दिन दूर रहा है ना, बचपन का प्यार भूल गया है। पर तुम फिक्र ना करो, हम इसके दिल में वो प्यार जगा कर रहेंगे। बेगम साहबा, आप दोनों बेटों के हेर फेर में सायरा बीबी को तो भूल गई, उनकी ट्रेन आने वाली है, किसी को लाने के लिए भेजेंगे नहीं। अरे कैसी बातें करते हो मुंशी जी, हमारे होते हुए किसी के जाने की क्या जरूरत है? हम चट से जाएंगे और पट से लेकर आएंगे। तो नहीं जाएगा जानू, सायरा का नाम सुनते ही तेरी झगड़े वाली रग फड़कने लगती है। चाहिए मुंशी जी आप जाए, जानू तू जा, डंगर डॉक्टर को बुला कर ला। डंगर डॉक्टर की क्या जरूरत है मालकन? दो भैंसे बीमार पड़ी है। वो तो कब की मर गई? कब की मर गई? अभी तो चारा खा रही थी। घास खा गए हो मुंशी, हमने अपनी आंखों से देखा है मालकन, वो दोनों मर गई हैं। हम जाए? तू फिर भी नहीं जा सकता। मुंशी जी आप जाइए और तू जा, चौधरी के बेटे को बुला कर ला, वो आम के बाग का फैसला अभी कर ला। वो मालकन चौधरी के बेटे का तो बच्चा पैदा हुआ, वो तो आ ही नहीं सकता। मर्द भी बच्चे पैदा करने लगे? हमारा मतलब है मालकन, उसकी बीवी के बच्चा पैदा हुआ है, और चौधरी कह रहा था मुंशी जी को भेज दें बच्चे के कान में अजान दिलवाने के लिए, तो मुंशी जी उधर चले जाएं, हम इधर चले जाते हैं। जानू तू नहीं जाएगा, तू बहुत जाते ही झगड़ा शुरू कर देगा। मुंशी जी इसकी बातों में मत आए, आप जाए। पूरे 50 रुपए रखे हैं मुंशी जी चौधरी ने अजान के लिए। ठीक है हम चले जाएंगे, ले आएंगे 50 रुपए और करेंगे ऐश। अरे नहीं नहीं बेटे, नहीं नहीं, ये दीन का मामला है, अजान का मामला है, और तुम गलती करोगे जरूर है, लिहाजा तुम स्टेशन है और मैं अजान, 50 रुपए की खातिर नहीं, इस्लाम की खातिर। अब तो मसला दीन का हो गया मुंशी जी, तो हमें भी जाना पड़ेगा। चले जाते हैं। अल्लाह अकबर। बचपन के दोस्त के साथ वक्त तो खूब गुजर रहा होगा। ये वक्त भी अजीब है सायरा, जिस राशिद को वक्त ने हमसे छीना था वो कुछ और था, और जिसे लौटाया है वो कुछ और है। हम बहुत परेशान थे सायरा, लेकिन अब तुम आ गई हो तो सारी परेशानी दूर हो गई। बस अब एक डर रह गया है दिल में। डर किसका? बदलते हुए वक्त का, इस जालिम जमाने का। कहीं हमारे और तुम्हारे प्यार के रास्ते में भी कोई दीवार न खड़ी कर दे। जो दीवार हमारे दरमियान आएगी जानू, वो गिरा दी जाएगी। सच? हाँ। रहेंगे हर पल दोनों साथ, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। हमने किया है से
जाएंगे। लुटा दूं तुझ पे अपनी जान, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। हमने किया है प्यार, जमाना लाख बने दीवार, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। भूल के हर एक बात, रहेंगे हर पल दोनों साथ, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। ले आया हूँ। अरे तू गया कैसे लेने के लिए? हाँ मालकन। अरे मेरी बच्ची, इसने तुझे रास्ते में तंग तो नहीं किया? नहीं मालकन। नहीं तो? ये है मेरा बेटा राशिद। आदाब। आदाब। ना तुम लोग बैठो, मैं तुम्हारा कमरा ठीक करता हूँ। माफ कीजिएगा, मैंने जरा देर से बताया, नहीं तो आप जैसे शानदार मेहमान को लेने के लिए मैं खुद आता। जानू आ गया तो आप आ गए, एक ही बात है। एक ही बात नहीं, जमीन आसमान का फर्क है। कहाँ मैं इस हवेली का मालिक और कहाँ बेचारा जानू इस हवेली का पुराना खातिर। राशि साहब, ये आप क्या कह रहे हैं? वही जो सारा गांव कहता है, जानू की औकात को दुनिया जानती है। जानू के छुपाने से या मेरे न कहने से इसकी हैसियत तो नहीं बदल सकती। जानू क्या है ये अपने अम्मी जान से पूछिए। छोटे मालिक बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सारा, जो कुछ कह रहे हैं ठीक ही कह रहे हैं। बेवकूफ लड़की, हीरा छोड़ के पत्थर से सर टकराने चली है। मुझे बहुत अफसोस है जानू। किस बात का? जो कुछ तुम्हारे साथ हो रहा है उसका, राशिद की बत्ती में से हद से बत्ती जा रही है। हद से आगे तो हम बढ़ गए थे सारा। मालकन के प्यार में हम ये भूल ही गए थे कि हम कौन हैं, हमारी औकात क्या है। राशिद ने तो अच्छा किया जो हमको याद दिला दिया। मुझे तो याद नहीं, बहुत घटिया मालूम होता है। दूसरा कोई होता तो तुम्हारे एहसानों को मानता। अरे एहसान हमने नहीं, मालकन ने किया है हम पर। इतना बड़ा एहसान कि जानू अपना सब कुछ कुर्बान करके भी उतारना चाहे ना, नहीं उतार सकता। तुम नहीं समझोगी, चौरात बहुत हो गई है, सोचो कोई देख ना ले। होश में आओ राशिद। होश में मुझे नहीं, तुम्हें आना चाहिए। मैं जानता हूँ तुम किसके चक्कर में। कहाँ हो हमारे टुकड़ों पे पलने वाला दो टके का नौकर, और कहाँ हम इतनी बड़ी जागीर और दौलत के मालिक। इंसानियत और शराफत की जो दौलत जानू के पास है वो तुम्हें कभी नसीब नहीं हो सकती। हट जाओ मेरे रास्ते से। अब तुम्हारा और मेरा रास्ता है। छोटे मालिक, ये क्या हो गया है आपको? आपने शराब पीना भी शुरू कर दिया है। चले जाइए यहाँ से, अगर मालकन ने देख लिया तो गजब हो जाएगा। मैं सब समझता हूँ, देख लूंगा तुझे भी। मैं भी जाकर बताती हूँ चाची जान। नहीं सारा, मालकन से कुछ ना बताना। देखती नहीं, छोटे मालिक होश में नहीं है अभी, माफ कर दो। ये तुम इसकी खातिर कह रही हो जिसने तुम्हें इतना जलील किया है? नहीं सारा,
उस मालकन के खातिर जिसने मां से बढ़कर प्यार दिया है मुझे। जानू नाराज हूं मुझसे, यकीन करो कल जिंदगी में पहली बार गलती हुई है। मैं वादा करता हूँ कभी शराब को हाथ भी नहीं लगाऊंगा। माफ कर दो ना अपने भाई को। हमने तो कल रात ही माफ कर दिया था तुम्हें। मगर वो माँ जी डरो नहीं छोटे मालिक, हमने मालकन को कुछ नहीं बताया है। तुम बहुत भोले हो जानू। अरे पर इतने भी नहीं है जितना तुमने अपने लाल प्यार में समझ रखा है। हम ठीक कहते हैं सारा, वो इतना बुरा आदमी नहीं है। उसने अपनी गलती की हमसे माफी मांग ली। माफी मांगने से बुरा आदमी अच्छा बन जाता है? देखो सारा, हम तो इतना जानते हैं कि ना आदमी अच्छा होता है ना बुरा। बुरा होता है ये नशा, चाहे शराब का हो, दौलत का हो या मोहब्बत का। मोहब्बत का नशा बुरा होता है? अरे हाँ, सबूत नंबर एक, इस नशे ने तो हमारी डिबिया ही गुम कर दी है। डिबिया काहे की? अरे अकल की, होश की और काहे की। जिधर देखते हैं उधर तुम ही तुम नजर आती हो। तो फिर नजर की इस खराबी का क्या इलाज है? इलाज? अरे हाँ है एक इलाज बहुत जबरदस्त। वो क्या? शादी। और क्या, बस हमने फैसला कर लिया है, अभी जाते हैं। कहाँ? मानकन के पास। और कहाँ, बस दो टूक बात करेंगे। सारी जिंदगी खिदमत की है, सिले में कुछ नहीं मांगते। बस सायरा का हाथ, मेहंदी रची हुई, अंगूठी फंसी हुई, जानू की शादी की। बस तुम इंतजार करो हमारा यहाँ, हम यूँ जाते हैं और क्यों आते हैं, अभी आते हैं। तो शादी के लिए खुशामद हो रही थी, आते ही अम्मी आप बहुत प्यारी हैं, आप बहुत अच्छी हैं, शरीफ कहेगा। क्या करूँ माँ, शर्म जो आ रही थी, फिर सोचा दुल्हन घर में मौजूद है तो शर्म का आएगी। अरे पगली, तेरी और रानी की जोड़ी तो बचपन से सबको पसंद है। मुंशी की बेटी? हाँ बेटी, तो बचपन की मंगेतर। बचपन की बातें जवानी और मजाक बन जाया करती है माँ, और मजाक कभी हकीकत नहीं बन सकता। तो फिर तेरा इशारा किस तरफ है? अरे माँ, लड़की घर में मौजूद है। सायरा? सायरा लड़की तो अच्छी है, मगर उसकी मर्जी, उसकी मर्जी तुम्हारी मर्जी से अलग नहीं हो सकती माँ। अच्छा, मैं बात करके देखती हूँ। सलाम आकर। वालेकुम सलाम। अरे क्या हो गया तुझे, अभी थोड़ी देर पहले तो तू मुझे सलाम करके गया। हाँ सलाम तो करके गया था मालकन, लेकिन बात ही कुछ ऐसी होगी कि फिर आना पड़ा। खैरियत तो है, क्या बात? बात दरअसल ये मालकन, बात दरअसल ये है कि तुम बहुत अच्छी हो, बहुत प्यारी हो मालकन, हमने सोचा एक सलाम तुम्हें फिर कराए। अब फिर ये तेरे रिकॉर्ड की सुई के मुताबिक रही है। और फिर उसके बाद बैठो तो सही ना मानकर, हमने सोचा तुम्हारे पाँव भी दबा है। मेरे पाँव में दर्द नहीं है। लेकिन हमारे दिल में तो है ना तुम्हारे लिए। क्या दर्द? अब हमने सोच लिया है मानकर कि इस हवेली में तुम्हें अकेला नहीं रहने देंगे, तुम्हारे लिए छोटे छोटे प्यारे प्यारे से खिलौने लाएंगे जिससे तुम खेलती रहो फुदकती रहो। इस उम्र में मैं खिलौनों से खेलूंगी? दिमाग ठीक है? ठीक है, तभी तो हम तुम्हारे हंसने खेलने का सोच रहे हैं मालकन। एक तुम्हारे बिस्तर पर दाएं लेटा होगा तो दूसरा बाएं, और तीसरा तुम्हारी गुदगुदी कर रहा होगा। आज तो बिल्कुल बेशरम हो गया। कौन मेरे बिस्तर पर दाएं बाएं लेटा होगा, कौन मुझे गुदगुदी कर रहा होगा? अरे मालकन वही मुन्ने से छोटे छोटे से चड्डी पहनकर तोतली जबान में बोलने वाले दादी दादा दादू। ईमान से बोलो मालकन, तुम्हारा पोता पोती देखने को दिल नहीं करता क्या? अच्छा, अरे ये सब तो हम तुम्हारे लिए बोल रहे हैं मालकन, अपने लिए बोलने वाले पर तो लानत। मगर ये तुम दोनों के दिल में एक ही तमन्ना कैसे जाग उठी? कौन दोनों के? भाई राशिद भी तो अभी अभी अपनी शादी की बात करके गया है। छोटे मालिक? हाँ। अरे जिंदाबाद मालकन, फिर तो सबसे पहले छोटे मालिक की शादी होगी, लड़की भी तो इसी घर में है, हमारी शादी का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, हमारा नंबर तो बाद में आएगा। अरे छोटे मालिक। अरे लड़की का नाम तो बता दे, कौन सी लड़की पसंद की तूने? अरे हमारी फिक्र ना करो मालकन, हमारा मामला बिल्कुल पक्का है, अब जल्दी हो या देर कोई फर्क नहीं पड़ता, छोकरी भाग के जाएगी कहाँ। अरे मुंशी जी चलो, सारे गांव को मिठाई बांटती है। किस केस में? अरे केस में नहीं मुंशी, छोटे मालिक की शादी की खुशी में। चलो चलो जल्दी कर। ओ सारा देखो हम तुम्हारे लिए क्या लेकर आए। लड्डू? हाँ लड्डू। किस खुशी में? अरे शादी की खुशी में, और किस खुशी में। अरे तुम तो शर्माने लगी, और ये तुम्हारे शर्माने वाले लड्डू नहीं है, ये तो छोटे मालिक और चिलपिलाटी की शादी के लड्डू हैं। बात करने गए थे अपने लिए, हर लड्डू लेकर आ गए किसी दूसरे की शादी की। क्या करें सारा, वहाँ तो मामला ही कुछ उल्टा पुल्टा हो गया था। अब देखो ना, ये चिलपिलाटी और छोटे मालिक के कर्जे से अपने शादी के लिए चिलपिला रहे थे, तो हमने मालकन से कह दिया कि पहले छोटे मालिक की शादी होगी फिर हमारी, तो मालकन फट से मान गए, उन्होंने लड्डू मंगा के दिए, हम तुम्हारे लिए लड्डू लाए, तो खा लो ना लड्डू, अपनी शादी के भी खिला देंगे बाद में।
क्या कह रही है चाचा जान, राशिद की शादी तो रानी से? वो रानी से नहीं, तुमसे शादी करना चाहता है। माफ कीजिएगा चाचा जान, मुझे ये रिश्ता मंजूर नहीं। इतना साफ इनकार, ये है तुम्हारे इंसानों का बदला। तू फिक्र न कर बेटे, मैं तेरे लिए और रिश्ता तलाश कर लूंगी। चांद से दुल्हन नहीं माँ, अगर मेरी ये ख्वाहिश पूरी न हुई तो मैं ये घर छोड़कर चला जाऊंगा। ये तो क्या कह रहा है? मैं ठीक कह रहा हूँ माँ, अगर ये शादी न हुई तो मैं जान दे दूंगा माँ, मैं जान दे दूंगा, और तुम सारी जिंदगी मेरी सूरत देखने को तरसती रह जाओगी। अरे कैसी बातें करते हो छोटे मालिक? सुना तूने जानू, अगर ये चला गया तो मेरी जिंदगी में क्या रह जाएगा? मैं तो सा जान से चाहती हूँ शादी हो जाए। इनकार वो कर गई है और सजा मुझे देना चाहता है। अरे वो कैसे इनकार कर सकती है? मालकन जरूर उसे कोई गलत फहमी हुई है। अरे हम वादा करते हैं हम मनाएंगे उस छोकरी को, वो इनकार कैसे कर सकती है? तेरी बात तो मान जाएगी बेटा। अरे मानेगी कैसे नहीं, मालकन मानेगा तो उसका बाप भी। तुम्हारे सर की कसम मालकन, जिस शादी के लिए तुम सौजान से राजी हो, अरे वो शादी रुक कैसे सकती है? जानू कराएगा वो शादी। छोटे मालिक, जानू की जान जा सकती है, जबान नहीं जा सकती, तुम्हारी शादी होकर रहेगी। अब तो खुश हो जा बेटे, जानू राजी कराएगा इस। अरे हाँ हम राजी कराएंगे। हाँ बेटा, अगर सारा राजी ना हुई तो इस घर में वो होगा जो न मैं देख सकूंगी न तू देख सकेगा। मैंने जो कुछ पाया है सब खो दूंगी। मैं तेरी मेहनत करती हूँ जानू, मेरी ये सबसे बड़ी तमन्ना पूरी करा दे। मैं समझूंगी तूने मेरी सारी मोहब्बत का सिला दे दिया। तुम फिक्र न करो मालकन, छोटे मालिक की शादी सारा से जरूर होगी, जानू अपना वादा जरूर पूरा करेगा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा कभी नहीं हो सकता। तुम पागल तो नहीं हो गया जानू? हमको मालूम था सारा, तुम इस बात को बर्दाश्त नहीं कर सकोगे, लेकिन अपने जानू की तरफ भी देखो। हमने बहुत सोच समझ कर इस शहर को पीने का फैसला किया है। तुम तो फरिश्ता हो जानू, लेकिन मैं इंसान हूँ। मैंने सिर्फ तुमसे प्यार किया है और मैं अपने ये प्यार किसी लुटेरे के दामन में नहीं डाल सकती। तो पढ़ी लिखी होकर कैसी बातें कर रही हूँ सारा? हमने तो सुना है प्यार करने वालों के रास्ते में कभी कभी ऐसी मंजिल भी आती है। जानू अपने वाले के दामन में इतना कुछ डालना पड़ता है कि उसकी छोटी छोटी पड़ जाए। मुझे किसकी छोड़ में डालना चाहते हो? जिसमें ना इंसानियत है ना शराफत, जो दुश्मन कहलाने के काबिल भी नहीं। इतनी जालिम, इतनी बेदर्द ना बना जानू। मुझे जिंदा दरगोर करने से पहले उसमें सिर्फ एक खूबी बता दो जिसका वास्ता देकर तुम मुझसे सवाल कर सको। उसकी रगों में मालकन का खून है सारा, और ये खून उसे एक ना एक दिन इंसान जरूर बना देगा, लेकिन इसके लिए हमारे प्यार की कुर्बानी बहुत जरूरी है। नहीं, नहीं, मैं इतनी बड़ी कुर्बानी नहीं दे सकती जानू। मैं तुम्हारे लिए जान तो दे सकती हूँ, लेकिन तुम्हारे प्यार को कुर्बान नहीं कर सकती। ये मुझसे नहीं होगा, ये मुझसे नहीं होगा जानू। तो फिर हमारा आखिरी फैसला भी सुन लो सारा। अब मालकन की दुनिया उजाड़ कर अपनी दुनिया आबाद नहीं कर सकते। अब उसे एहसान करने वाली औरत के लिए अपनी जान तो दे सकते हो, लेकिन अब तुमसे शादी नहीं कर सकते जानू। ये तुमने क्या कहती है जानू? हमने ठीक कहा है सारा। देखो सर, आज हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान है, और इस इम्तिहान में जानू का साथ देने वाला सिवाय तुम्हारे कोई और नहीं है सारा। अगर तुम्हारा प्यार सच्चा है तो हम तुम्हें तुम्हारे प्यार का वास्ता देते हैं, हमारी झोली में अपने प्यार की भीख डाल दो सारा। हम तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलेंगे सारा, कभी नहीं भूलेंगे। बस करो जानू, बस करो। अगर तुम मेरे प्यार को इसी तरह आजमाना चाहते हो तो फिर जाओ, मेरे अरमानियों के जनाजे को जिस तरह चाहो दफन कर दो। अब वही होगा जो तुम चाहोगे, जो तुम चाहोगे। जानू मुबारक हो मालकन, सारा शादी के लिए तैयार हो गई। तुझे भी मुबारक हो। मैं चाहती हूँ फौरन मम्मी कर दूँ, मेरे बच्चे की ये पहली खुशी है। देख जानू, कोई कसर न रही। तो फिक्र न करो मालकन, ये हमारे भाई की शादी है, हम इसमें खुद गाएंगे नाचेंगे खुशियाँ मनाएंगे। तो बिल्कुल फिक्र न करो मालकन। सौदे के पैसे में बड़ा खेचे मारता।
शाबाश शाबाश। अरे तू, अरे रो रही है, छोटे मालिक की मंगनी का जश्न होने वाला है इसलिए। अरे बावली, बचपन की बातें ख्वाब होती हैं, ख्वाब, भूल जाए ने, भूल जा। ची 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 ची, अरे बल्ली आंख में भी आंसू, बल्ली आंख में भी आंसू। पहुंच डाल बेटे इन्हें, पहुंच डाल, मालकन देखेगी तो क्या कहेगी। मैं अपने लिए तो नहीं रो रही बाबा, आज किसी का घर सज रहा है और किसी की दुनिया लुट रही है। और किसकी दुनिया लुट रही है? कुछ नहीं भैया, भांग भांग, आज माफी दे दो, अब कभी नहीं पीऊंगा। दुख ने घेर लिया तो थोड़ी सी पी ली। डरता क्यों है, ठीक ही तो किया है तूने, आज हम भी पियेंगे तेरे साथ। अरे धनु भैया, तुम भांग पियोगे, तुम्हें कौन सा दुख है? क्यों, दुख सिर्फ तुम्ही को घेर सकते हैं, जानू को नहीं घेर सकते। गम सिर्फ तुम्हारे दिल को लग सकता है, जानू के दिल को नहीं लग सकता। जानू पत्थर का बना है क्या? जानू भी तो इंसान है तुम्हारी तरह, बस तेरे पगे। आज जानू तुम सबके साथ बैठ कर पिएगा, तेरे पगे। अरे जानू भैया, आज तो तुम्हें हवेली में होना चाहिए था, आज हवेली दुल्हन की तरह सजी हुई है और छोटे मालिक की मंगनी हो रही है। जानता हूं मैं, आज बहुत खुशी का दिन है पवे, आज बहुत खुशी का दिन है।
इस दुनिया में जीना है तो झूमे जा लहराए जा ऐ दिल अपना दर्द छुपा कर गीत खुशी के गाए जा कुछ भी अब जमाना हम डर नहीं किसी का के बदल दिया है हमने अंदाज जिंदगी का से रिश्ता तोड़ दिया है दिल को जलाना छोड़ दिया है झूठी दुनिया झूठी रस्में कैसे वादे कैसी कसमें अपनी धुन में खोकर पगले अपनी धुन में खोकर पगले हर एक बात भुलाए जा ऐ दिल अपना दर्द छुपा कर गीत खुशी के गाए जा अपने गम की आग में जल कर अपने गम की आग में जल कर प्यार की रीत निभाए जा ऐ दिल अपना दर्द छुपा कर गीत खुशी के गाए जा ही तो किया है ना मालकन कोई चोरी तो नहीं की किसी के हक पे डाका तो नहीं डाला बदतमीज़ तेरी ये हिम्मत भरी महफिल में तो इस हालत में मेरे सामने आए बेशर्म तुझे शर्म भी ना आई बता जवाब दे तूने ऐसा क्यों किया तूने ऐसा क्यों किया जानू मालकन इस सवाल का जवाब जानू भैया कभी नहीं देगा मुझसे पूछिए मैं बताती हूँ इसने आज नशा नहीं किया अपने अरमानों का खून पिया है होश में रहकर कोई पत्थर दिल इंसान भी अपने प्यार की लाश पे ना इस तरह नाच सकता है ना गा सकता है जानू भैया आज मैं सब कुछ बता कर रहूंगी मालकन को जानू और सारा बाजी एक दूसरे को प्यार करते हैं मालकन मैं सच कह रही हूँ मालकन जानू भैया ने अपने प्यार की कुर्बानी दी है आपकी खातिर सारा बाजी को जबरदस्ती इस रिश्ते पे मनवाया है जानू तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कोई बात नहीं मैं ऐसा नहीं होने दूंगी ऐसा ही होगा मार्कन अब ऐसा ही होगा हम जानते हैं इस हवेली में हंसी और खुशी बात जमाने के बाद आई है मार्कन अगर छोटे मालिक की ख्वाहिश पूरी ना हुई ना तो कयामत आ जाएगी इस हवेली में तुम्हारी खुशियों पर पानी फिर जाएगा मालकन जानू अपनी खुशियों को लुटते हुए देख सकता है मगर इस हवेली की खुशियां लुटते हुए नहीं देख सकता मालकन हम तुम्हारे हाथ जोड़ते मालकन हम तुम्हारे हाथ जोड़ते हमने बहुत मुश्किल से सुलझा है सुलझा
कोशिश न करना मालकन, हमसे उठाने की कोशिश न करना। बहुत मुश्किल से सुन रहा है हमने उन सबको। जानू बेटे, तूने राशिद के भाई बनने का हक अदा कर दिया है। जानू तुझे हक अदा कर दिया है भाई बनने का। तुम्हारी ये मजाल? छोटे मालिक, हमने सिर्फ ये कहा था कि लेन देन हिसाब किताब सब जानू से होता रहा है, मालकन के हुक्म के मुताबिक। और बकवास बंद कर, हुक्म का बच्चा। मेरे गैरहाजिरी में बहुत हेर फेर कर लिया उस बेईमान ने, अब मैं आ गया हूँ। मेरे होते हुए मेरे माल पर चौधरी बनने का जानू को कोई हक नहीं। और हाँ, खबरदार खबरदार, अगर किसी ने मेरे मुकाबले में जानू का नाम लिया तो मुंह तोड़ दूंगा। राशिद, ये तुम क्या कह रहे हो? ठीक कह रहा हूँ मां, चलता हूँ यहाँ से। बेइज्जती की भी एक हद होती है मां। मेरी जागीर में न कोई मुझे जानता है ना मानता है। दो कौड़े के किसान जब दिल चाहता है मुझे जलील करके रख देते हैं, और ये सब कुछ महज इस वजह से होता है कि मुख्तारनामा जानू के नाम है। जानू के नाम है तो क्या हुआ, तुम दोनों एक ही तो हो। नहीं मालकन, मुख्तारनामा छोटे सरकार के नाम कर दीजिए और इसका सारे गांव में ऐलान भी करवा दीजिए। जिसका हक है उसे फौरन पहुंचाना चाहिए। मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, मुझे मार डालो, मुझे अपने घर में छुपा लो, मुझे मुझे बचा लो, बचा लो, मुझे बचा लो। कौन हो तुम? कौन हूँ मैं? तुम भी नहीं जानती कौन हूँ मैं? नहीं बेटा, तुम तो जानते होगे कौन हूँ मैं। बता दो, बता दो कौन हूँ मैं। तुम जरूर जानते हो मैं कौन हूँ। बता दो इन सबों को कौन हूँ मैं, बता दो मैं कौन हूँ, बता दो, बता दो। बेगम साहबा, ये बेचारा पागल है, आज ही गांव में कहीं से भटकता हुआ आ गया है। झूठ, बिल्कुल झूठ, बिल्कुल झूठ। मैं भटकता हुआ नहीं आया, नहीं, मैं पत्थर खाता हुआ आया हूँ। वो लोग मुझे मार रहे हैं मुझे। तुम्हारे हाथ में पता नहीं है, मुझे बचा लो माँ, मुझे बचा लो, मुझे छुपा लो अपने घर में, छुपा लो, लोग मुझे मार देंगे, मुझे छुपा लो अपने घर में, छुपा दो। ठीक इसी तरह एक दिन हम तकदीर की मार खाकर यहाँ आए थे तो तुमने हमें दर दर ठोकरे खाने से बचा लिया था। आज इसे भी अपने घर में बना देकर पत्थर खाने से बचा लो ना मालकन। हेलो मां, ये शरीफों की हवेली है, कोई यतीम खाना या पागल खाना नहीं है, कह रहे को यहाँ बना देते फिर। तुम ठीक कहते हो छोटे मालिक, इसी तरह यतीमों को पनाह मिलने लगे तो फिर यतीम खानों का क्या होगा। मास्टर साहब, आप इसे अपने साथ ले जाएं, इसका खर्च हम दे दिया करेंगे। जाओ बेटा। आओ बेटा, जाओ। मास्टर जी, बेटा कैसा है वो? अरे क्या पूछते हो बेटा, अजीब हाल है उसका, ना खाता है ना पीता है, बहुत पूछा, अपने बारे में कुछ बता ही नहीं सकता। कहाँ है वो? यही कहीं होगा। मास्टर साहब, ये तस्वीर किसने बनाई है? पता नहीं बेटा, मैं भी अभी देख रहा हूँ। देखना चाहते जी, ये बिल्कुल ऐसी तस्वीर है जो बचपन में राशि से बनाई थी। हाँ। ये किसने बनाई है, किसने बनाई मास्टर? पता नहीं बेटा। तुमने बनाई है ये तस्वीर? तुमने बनाई है? मुझे बचा लो, मारता है मुझको। मैंने तस्वीर नहीं बनाई, मैंने तस्वीर नहीं बनाई, मुझे मारा है मुझे।
बेटा ये बेचारा तो पागल है, बच्चे आते जाते रहते हैं, किसी ने बना दी होगी, बचपन तो सबका एक जैसा होता है ना। राशिद जिंदा है, अब यहां तक आ पहुंचा है, वो अपनी याददाश्त खो चुका है, लेकिन इसके बावजूद वो हमारे मंसूबे की राह में बहुत बड़ी रुकावट बन सकता है, इससे बेशतर के वो हमारे लिए खतरा बन जाए, उसे खत्म कर दो। इसको क्यों मारना चाहते थे? इस बेचारे ने किसी का क्या बिगाड़ा होगा? मामला तो मेरे भी पल्ले नहीं पड़ा बेटे, पता नहीं मरे को मारना कुछ अजीब सा लगता है। जानू मुंशी जी के हुकुम से मैं दस्त के टुकड़े कर रहा था और जल डगरी लेके भागा। नहीं नहीं, मैं इसके टुकड़े नहीं होने दूंगा, मैं इस निशान को नहीं मिटना दूंगा। कौन सा निशान? मैं देखूं। माँ जी बेचारा पागल है। पागल? अरे अरे ये पागल नहीं, नहीं तुम लोग आंखें रखते हो, नहीं पहचान सके, ये पागल नहीं, ये तुम्हारा मालिक राशिद है, राशिद। ये आप क्या कह रही हैं माँ जी? मैं ठीक कह रही हूँ जानो, मुझे इतने से राशिद की खुशबू आ रही है, जाहिर की आंखें धोखा खा सकती है लेकिन दिल की नहीं, मेरा बिछड़ा हुआ भाई राशिद है, राशिद। राशिद, अगर ये राशिद है तो फिर वो कौन है? वालेकुम सलाम, आज मैंने तुम सब लोगों को ये बताने के लिए बुलाया है कि आज से मेरी तमाम जायदाद, तमाम जागीर का कार मुख्तार मेरा बेटा है, तुम्हारा छोटा मालिक, वैसे भी मेरे बाद मेरी तमाम जायदाद का वारिस। कहने से पहले हमारी बात सुन लो मालकन, ये बहरूपिया तुम्हारा बेटा नहीं है। जानो, ये तुम क्या कह रहे हो, ये मेरा बेटा नहीं है? नहीं मालकन, तुम्हारा खोया हुआ बेटा और हमारा बिछड़ा हुआ भाई ये नहीं,
ये है। बहुत खूब, क्या सबूत है इस बात का? राशिद के बचपन की हर वो बात जिसे नफरत करता रहा है या अनजाने में भी उसे दोहराता रहा है। इस जालिम ने जिस दरख्त के टुकड़े टुकड़े कर दिए, उस दरख्त के निशान वाले टुकड़े को ही अपने कलेजे से लगाकर लोगों से लड़ता रहा है। मालकन, जिस मास्टर साहब की इसने कभी भी इज्जत नहीं की, उसी मास्टर साहब की घर की दीवार पर ये वही बचपन वाली तस्वीर बनाता रहा है। और आखिरी सबूत ये कि जिस जानू के दिल में छुपे हुए लालच को मैंने आते ही भाप लिया था, उस जानू से भी ये बेपनाह मोहब्बत करता है। मां, दुनिया कितना भोला कितना जाहिल समझती है इस जानू को, मगर जानू उन जाहिलों में जिनकी सादगी का बहरूप बड़े बड़े अकलमंदों को लूट लेता है। ये झूठ है मालकन। क्या ये भी झूठ है कि इस लावारिस पागल को देखकर तुमने मेरे खिलाफ एक स्कीम बनाई, ताकि पागल न कभी होश में आए और न जायदाद कभी तुम्हारे कब्जे से बाहर जाए। इसकी बातों में मत आना मालकन, ये तुम्हें बहकाने की कोशिश कर रहा है। बहकाने की नहीं, समझाने की कोशिश कर रहा हूं। मैं तुम्हारा पोल अभी सबके सामने खोलता हूं। मां, जादू वो है जो सर चढ़कर बोले। ठीक ठीक बताओ तुम कौन हो? मैं कौन हूं? मुझे नहीं पता मैं कौन हूं। मैं सोच के तो मुझे नहीं पता। सुन लिया मां, जानू के बनाए हुए राशिद को कुछ भी नहीं मालूम। जब तुम्हें कुछ नहीं मालूम तो यहाँ क्या करने आए थे? नहीं, मैं यहाँ नहीं आया था। ये मुझे जबरदस्ती ला रहा, मैं सच कहता हूँ, मैं यहाँ नहीं। राशिद नहीं हूँ। मुझे पत्थर मत मारना, मैं नहीं हूँ भाई। तुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था जानू। लेकिन मालकन, अरे कैसे नहीं करना चाहिए था? माँ माँ, तुम फरिश्तों की तरह मासूम हो। इस नामुराद दौलत के लिए तो लालची बेटों ने अपने माँ बाप तक का खून कर दिया है। जानू के बरसों के ख्वाब हकीकत बन चुके थे माँ, मेरी आमद ने इस हकीकत के सीने में छुरा घोंप दिया है। ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है मालकन। हम सच कहते हैं, हमने जो कुछ कहा है सच कहा है मालकन, बिल्कुल सच कहा है। जिस दौलत के लालच में ये इतनी बड़ी चाल चल सकता है, वो दौलत, वो जागीर, खुदा के लिए इसके नाम कर दो माँ। इसे सब कुछ दे दो और इससे कह दो कि यहां से चला जाए। माँ, मुझे तुम्हारे कदमों की जन्नत के सिवा और कुछ नहीं चाहिए। माँ, मेरे लिए तुमसे बड़ी कोई दौलत नहीं, कोई जागीर नहीं। इसे सब कुछ दे दो माँ, इसे सब कुछ दे दो और इससे कह दो कि अम्मा बेटे की दुनिया से दूर चला जाए, दूर चला जाए माँ, दूर चला जाए माँ। या अल्लाह, ये तो मुझे किस मंजिल पर ले आया है। मालकन, हम दौलत और जागीर के लाल से बिल्कुल नहीं है। जानू के लिए इससे बड़ी गाली कोई और नहीं हो सकती। मालकन, हम इस चौकट को छोड़कर अभी चले जाते अगर हमारे खून के हर कतरे में तुम्हारा खिलाया हुआ नमक ना शामिल होता। लेकिन हम तुम्हें इस हाल में छोड़कर नहीं जाएंगे मालकन, हम तुम्हें इस हाल में छोड़कर कभी नहीं जाएंगे। जिस घर में दूध की कटोरियां मिलती हो, सांप वहां से नहीं जाया करता। खुदा के लिए माँ, मेरे हाल पे नहीं तो अपनी जिंदगी पे तरस खाओ और इससे कह दो कि यहां से चला जाए, वरना दूसरी बार कोई बेटा इतनी बड़ी जिल्लत बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं चला जाऊंगा, मैं यहां से चला जाऊंगा। मैं राशिद जानू, मुझे तुझसे ये उम्मीद नहीं थी। तू चला जा यहां से, चला जा जानू, और फिर कभी इस चौखट पर कदम रखने की कोशिश न करना। चला जा जानू, चला जा। ये वो नहीं है जिसके लिए हमने तुम्हें मंगनी पर मजबूर किया था। तुम अब सिर्फ जानू की हो, और अब जानू से तुम्हें कोई नहीं छीन सकता। जानू, जानू। सारा, मालकन कैसी है? वो बहुत बीमार है। तुम्हारे सच को उस बहरूपे ने इस तरह झूठ साबित किया है कि उनके दिल को बहुत सदमा पहुंचा है। लाख समझाती हूँ मगर वो किसी की नहीं सुनती। मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं भी अब उस घर में नहीं रह सकूंगी। नहीं सारा,
मालकन की जान खतरे में है। जब तक मैं उस बहरूपिये का पोल खोल न दूं, तुम्हारा वहां रहना बहुत जरूरी है। सायरा, कहां जा रही हो? तुम कौन होते हो पूछने वाले? मंगनी के बाद भी ये बताना पड़ेगा। अब तुम मेरी इजाजत के बगैर इस हवेली से कदम बाहर नहीं रख सकती, इसलिए कि तुम मेरी होने वाली बीवी। मैं वो रिश्ता तोड़ चुकी हूँ। खामोश, बेशरम, बेहया, मैं तुझे ऐसा सबक सिखाऊंगा कि सारी जिंदगी याद रखेगी। ऐसा सबक तो सिर्फ जानू ही सिखा सकता है तुझ जैसे कमीने को। तू अपनी औकात भूल रहा है जानू। हम तेरी असलियत जान चुके हैं बहरूपिये। तू वो नहीं है जिसके लिए जानू आज तक अपना प्यार कुर्बान करता रहा। छोड़ दे इसका हाथ। जानू, आज तक हम तुझे छोटे मालिक समझकर तेरी हर बात बर्दाश्त करते रहे, लेकिन आज जानू तुझे नहीं छोड़ेगा। अरे पागल, अगर ये तेरे हाथों मर जाता तो एक और मुसीबत खड़ी हो जाती। जब तक हम इस बहरूपिये से सच ना उगलवा ले मास्टर जी, ये उलझन कभी दूर नहीं होगी। हमारी समझ में कुछ नहीं आता। अरे बेटा, ये उलझन तो बदनसीब राशिद ही दूर कर सकता है। दुआ कर जानू, उस दीवाने को होश आ जाए। Oh.
खुदा का लाख लाख शुक्र है। छोटे मालिक, छोटे मालिक। जानो भैया मुझे बताओ माँ कैसी। मत पूछो छोटे मालिक, जो शैतान ने तुम्हें कत्ल करना चाहा था उसी ने तुम्हारी जगह ले ली है। वो तुम्हारी जागीर पर ही नहीं मालकन पर भी बुरी तरह छा गया है। मालकन उसी को अपना बेटा समझती है मालिक। जब हमने तुम्हें असली राशिद साबित करना चाहा तो मालकन ने हमको भी घर से निकाल दिया है। हमने तो उस दीवाने को रेलवे की पटरी पर डाल दिया था मगर ऐन वक्त पर वो कामबख्त जानो वहां पहुंच गया। मैं वक्त के तकाजे को भाप चुका हूं, फिक्र न करो। पहले इस बुढ़िया को ठिकाने लगा दो, इसे पीने के बाद वो हमेशा की नींद सो जाएगी और हमारी सोई हुई तकदीर बेदार हो जाएगी। ये प्रेम साहब बाहर गई, सब कुछ सुन रही थी बॉस। बुढ़िया की मौत के बाद इसको भी निपट लेंगे, यहां से बाहर न जाने पाए। छोड़ दो, छोड़ दो मुझे। मां ले मां रस पी लो। रहने दे बेटा, जी नहीं चाह रहा। कैसे नहीं चाह रहा, मैं तो पिला कर लूंगा। देखो ना कितनी कमजोर हो गई हो तुम, लो पी लो। बिल्कुल बचपन की तरह जिद कर रहा है। याद है तुझे जब मैं बीमार हुआ करती थी तू मुझे फलों का रस पिलाया करता था और जब उदास होती थी तो एक गीत गाया करता था। चल आज भी वही गीत सुना देना जिसे सुनकर मेरी उदासी दूर हो जाया करती थी। मां पहले रस पी लो, गीत बाद में सुनाऊंगा। नहीं पहले गीत सुना बाद में पीऊंगी। अरे मां बचपन का गीत किसे याद रहता है। चलो रस पियो, तुम तो खामा खजित कर रही हो, पी लो। अच्छा ऐसे तेरी खुशी। मेरा प्यार, मेरा प्यार तेरे जीवन के संग रहेगा। मेरा प्यार तेरे जीवन के संग रहेगा। मेरी आँखों में तेरा रंग रहेगा, संग रहेगा। मेरा प्यार तेरे जीवन के संग रहेगा। देखा नूर फरिश्तों का मैंने तेरी आंखों में, देखा नूर फरिश्तों का मैंने तेरी आंखों में। पूछ न क्या सुख पाया है तेरी मीठी बातों में। मौसम आए मौसम जाए प्यार न दिल से मिटने पाए। हर दम तेरे गीत सुनाए इस दिल की धड़कन। मेरी आँखों में तेरा रंग रहेगा, संग रहेगा। मेरा प्यार, मेरा प्यार तेरे जीवन के संग रहेगा। तुझ पर मेरा दिल सदके तुझ पे निछावर जान मेरी, तुझ पर मेरा दिल सदके तुझ पे निछावर जान मेरी। तेरे सिवा इस दुनिया में किसको है पहचान मेरी। तेरी खुशी है राहत मेरी, इन कदमों में जन्नत मेरी। छीन नहीं सकता मुझसे तेरा प्यार कोई दुश्मन। मेरी आंखों में तेरा रंग रहेगा, संग रहेगा। मेरा प्यार, मेरा प्यार तेरे जीवन के संग रहेगा।
मेरा प्यार तेरे जीवन के संग रहेगा। मेरे बच्चे, मेरे लाल, कितनी जालिम है ये दुनिया, माँ की ममता से भी फरेब करने से बाज नहीं आती। मेरे बच्चे, तूने मेरी वजह से कितने दुख उठाए, मुझे माफ कर देना बेटा, मुझे माफ कर देना। माँ ऐसा ना कहो, ऐसा ना कहो, माफी तो मुझे मांगनी चाहिए। माँ मुझे मुझे बड़ी भूल हुई जो मैं माँ के साय से दूर रहा। अगर जानू ना होता तो मैं जानू 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 जिस हवेली की चौखट से तू लौट कर जा रहा है वो हवेली तेरे एहसानों के बोझ से सर नहीं उठा सकती। मेरे बेटे जानू, जानू मेरे बच्चे, मेरे बेटे, मेरे बच्चा। गजब हो गया बालकन, गजब हो गया, गजब हो गया। सारा बीबी को गुंडा उठा के ले गया मुंशी। हाँ जानू, हर पल दोनों साथ जो होगा